मैंने ये वही वाली ऐप खोल ली है जो कल हम बना रहे थे ना, ट्रेलो वाली ऐप। अच्छा, उसी को ही मैंने खोल लिया है। और इसी पे ना हम कोशिश करते हैं कि आज हम लोकल स्टोरेज को ना इसी पे समझने की कोशिश करते हैं। सही है। अच्छा, अब लोकल स्टोरेज को समझने के लिए ना, पहले तो अगर हम लोकल स्टोरेज के जो दो ही मेथड हैं उसके, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, दो ही मेथड है, उन दो मेथड को जरा हम समझ लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक हम टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे और उस टेक्स्ट बॉक्स से हम डायनेमिकली वो टिकट कर रहे होंगे, क्योंकि कल हमने ये तो काम कर लिया था कि एक इस तरफ से इस तरफ आ जाता था, ठीक है। लेकिन वो हम क्या करेंगे, अब डायनेमिकली क्रिएट हो, ये तो हार्ड कोडेड पहले से लिखा हुआ आ रहा है, तो ये ना हो, डायनेमिकली क्रिएट हो और वो रिफ्रेश करने पे भी रहे। ये हमारा सेकंड काम होगा। पहला काम होगा कि हम वो दो मेथड हैं, गेट आइटम सेट आइटम, इन दोनों को एक्सप्लोर कर लें। अच्छा, इसकी लाइब्रेरीज भी मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल लाइब्रेरी का इस्तेमाल ना करें, फिलहाल जो है वो उसको रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करें, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट में हम आ जाते हैं नीचे की तरफ। ये हमारे वो फंक्शंस हैं सारे जो हमने कल बनाए थे। अगर कल की क्लास किसी ने मिस कर दी थी तो उसको ये कोड समझने में टाइम लग सकता है काफ़ी ज़्यादा। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा जी, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है जी। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में मैंने एक की देनी है उसको, मिसाल के तौर पे ए बी सी की, कोई भी की का नाम रख दिया मैंने, और ए बी सी एक्स वाई जी वैल्यू, ठीक है। ए बी सी की एक्स वाई जी वैल्यू, कोई भी रैंडम स्ट्रिंग। अच्छा, लेकिन इसमें शर्त यह है कि दोनों स्ट्रिंग ही होना चाहिए। अगर आपने नंबर भी देना है ना तो देना है स्ट्रिंग फॉर्म में आपने, ठीक है। इसमें नंबर या ऑब्जेक्ट या कोई और इसमें चीज़ नहीं दे सकते, देना है इसमें स्ट्रिंग है आपने। अच्छा, अब स्ट्रिंग में तो भाई जाहिर है फिर नंबर तो सेव नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो नंबर कैसे सेव होंगे वो हम देखते हैं। अच्छा, ये क्योंकि रूट पे लिखा हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट के रूट लेवल पे लिखा हुआ है, तो जैसे ही मेरा पेज लोड होगा ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सही है, इसको कोई फंक्शन के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये रूट पे लिखा हुआ है, जो मेरे जावास्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे ओपन है और ये यहाँ पे क्लोज है और ये रूट लेवल पे लिखा हुआ है, तो ये जैसे ही पेज लोड होगा ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा। एक दफ़ा आ जाते हैं जी, अब राइट क्लिक किया मैंने, इंस्पेक्ट किया, अभी तक मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया है यहाँ पे, राइट। वो मैंने कोड ऐड करने के बाद पेज को रिफ्रेश नहीं किया है मैंने। अच्छा, अब आप देखें, मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट का बटन दबाया और इंस्पेक्ट का बटन दबाने के बाद ये एलिमेंट पे आता है बाय डिफॉल्ट, मैं आ गया इधर एप्लीकेशन पे आ गया। एप्लीकेशन में जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे स्टोरेज के नाम से ना एक लोकल स्टोरेज मौजूद है। सही है, लोकल स्टोरेज में यहाँ पे की और यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे वो वैल्यू आ गई है और ये वैल्यू आके सेव हो गई। अब मैं पेज को जितनी बार भी रिफ्रेश करूँ, अब देखो मैं इसको हटा देता हूँ, ये सेट हो गया ना एक बार, ये मैंने हटा दिया, अब ये कोड नहीं चल रहा, लेकिन ये अभी भी रहेगा। इवन मैं ब्राउज़र को बंद करके ऑन करूँगा वापस तो भी ये रहेगा, अगर सिस्टम को शट डाउन करके वापस ऑन करूँगा तो भी ये रहेगा, ये अब कहीं नहीं जाता। जब तक इसको मैं या तो यहाँ पर आके हाथ से ऐसे डिलीट ना कर दूँ, या तो मैं इसको कोडिंग के ज़रिए यानी जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इसको रिमूव ना कर दूँ, ये जब तक यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ब्राउज़र बंद हो खुले कुछ भी हो इसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अच्छा, इसी तरीके से अब हमारे पास ये समझ आ गया कि सेट कैसे होगा आइटम। यहाँ पे भी की, यहाँ पे भी स्ट्रिंग और यहाँ पे भी स्ट्रिंग, की और वैल्यू दोनों स्ट्रिंग। अच्छा, अब मैंने रखा मिसाल के तौर पे ए बी सी की में मैंने ये वाली वैल्यू सेट करवा दी, वापस आया रिफ्रेश किया, ये देखो वैल्यू सेट हो गई, ठीक है। ये कोड दोबारा चला है तो दोबारा वैल्यू सेट हुई है, पहले वाला था वो मैंने रिमूव कर दिया था, यहाँ पे कोड ये दोबारा चला है तो इस लाइन के चलने की वजह से वो दोबारा आई है उधर। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसी सेम की के ऊपर ना मैंने कोई दूसरी वैल्यू रखवानी है, वही वेरिएबल वाला हिसाब किताब है कि जी एक वैल्यू थी पहले से, वो कुछ और रखेंगे तो पुरानी ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पर रखवा दिया 1 2 3 4 रखवा दिया। सही है, स्ट्रिंग फॉर्म में, लेकिन ये और कीजिएगा, तो ए बी सी की के नाम से जब मैंने दूसरी वैल्यू दी तो ए बी सी की के ऊपर जो पुरानी वैल्यू थी वो ख़त्म हो जाएगी और नई वैल्यू अपेयर हो जाएगी। आके देख लेते हैं जी क्या ऐसा होता है, रिफ्रेश किया मैंने, देखो वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मुझे ए बी सी की के अलावा एक दूसरी की बनानी है ना। अब पहले तो मैंने ये किया कि एक की बनाई, उस पर एक वैल्यू रखी, उस वैल्यू को रिप्लेस करना सीख लिया, अब हम एक नई की बनाते हैं, नेम।
सही है, या OBJ कर देते हैं इसका नाम, ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी का, OBJ, और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, समथिंग, कुछ और रखवाया। अब आप देखें ये वाला भी मौजूद रहेगा और रिफ्रेश करते ही वो दूसरा भी आ जाएगा। अब इस की ना कोई लिमिट नहीं है, अब आप इसमें 3, 4, 5, 6, 10, 12 जितनी की बनाना चाहें बना सकते हैं। सही है, देखो मैंने कितनी बना दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कीज बना दी मैंने टोटल। अब ये यहाँ पे 6 की 6 आके रजिस्टर हो जाएगी। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें जितनी मर्जी की बनाते रहो आप, आपके ऊपर डिपेंड। जैसे वैली वेरिएबल बनाने की कोई लिमिट नहीं है, सही है, जैसे वेरिएबल बनाने की कोई लिमिट नहीं है, इसी तरह इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें ये पता है वेरिएबल जितना हम ज़्यादा बनाते जाते हैं वो रैम में उतनी ही ज़्यादा जगह कैप्चर करता है, सही है। अच्छा, वेरिएबल रैम में कितनी जगह लेता है आप सब लोगों को पता है, नंबर का वेरिएबल रैम में कितनी जगह लेता है कौन बताएगा? आगे से बढ़ते जा रहे हो, पीछे से भूलते जा रहे हो। 64-bit फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का जो नंबर वेरिएबल होता है वो 64-bit का होता है, तो रैम में 64-bit लेगा वो। हाँ, बाइट जो है वो 8 होगा, 8 byte। तो जैसा कि हमें पता है वेरिएबल बनाने की कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन जितने ज़्यादा हम वेरिएबल बनाते जाएंगे वो रैम मेमोरी के अंदर वो जगह लेगा उतनी, ठीक है। और हमारे जो सॉफ्टवेयर जो है वो रिसोर्स एक्सटेंसिव होता जाएगा जितने ज़्यादा हम वेरिएबल बनाते चले जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम जितनी वैल्यूज़ बनाएंगे ये ज़ाहिर है हार्ड ड्राइव में सेव हो रहा होता है, ठीक है, तो ये हार्ड ड्राइव में स्पेस लेगा, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता। टेक्स्ट वैल्यू अगर आपने मतलब 1000 पेज का मजमून भी होगा ना टेक्स्ट वैल्यू में, तो वो शायद 1 MB भी नहीं बनता, ठीक है, उससे भी कम बनेगा वो। तो ये टेक्स्ट वैल्यू है, एज अ टेक्स्ट ये सेव हो रहा होता है हार्ड ड्राइव में, कहीं ना कहीं ये जगह ले रहा होता है, क्योंकि सिस्टम शटडाउन होने के बाद, प्लग निकलने के बाद वही चीज़ बाकी रहती है जो हार्ड ड्राइव में मौजूद है। रैम क्लियर हो जाता है, प्रोसेसर के अंदर मौजूद केशे वेशे सब क्लियर हो जाता है, ठीक है, प्रोसेसर खाली हो जाता है, रैम खाली हो जाता है, तीसरी चीज़ बचती है हार्ड ड्राइव। तो जो चीज़ हार्ड ड्राइव में प्लग निकलने के बाद वही बाकी रहती है, बाकी चीज़ें बाकी नहीं रहती हैं, ठीक है। इवन जो हाइबरनेट करते हैं हम कंप्यूटर को, तो वो पूरे स्टेट को हार्ड ड्राइव में सेव कर लेते हैं, तो इसी वजह से जब आप खोलते हैं वापस तो आपको वहीं से वो चलता हुआ दिख जाता है। अच्छा जी, तो ये हमने देख लिया कि जी गेट वैल्यू सेट वैल्यू हमने करके देख ली, सॉरी अभी तो सिर्फ सेट किए, अभी गेट नहीं किया हमने। अच्छा जी, अब मेरे पास लोकल स्टोरेज में मेरे पास एक वैल्यू मौजूद है जिसकी की मुझे पता होनी चाहिए, वैल्यू वो दे देगा मुझे लाके। OBJ1 करने के नाम से की मौजूद है मेरे पास, मुझे इसकी वैल्यू को गेट करना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और की मैं यहाँ पे लिख दूँगा, उसकी वैल्यू वो ला देगा, ठीक है। OBJ1 के अंदर जो भी वैल्यू है ना ये मुझे रिटर्न करेगा। रिटर्न करने का मतलब क्या होता है कि खुद यहाँ से हट जाएगा, उसकी जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो मैंने कहा कि लेट वैल्यू इक्वल्स टू ऐसे, तो मैं इसको वेरिएबल में पकड़ूंगा ऑब्वियसली, अब क्योंकि ये वाला पार्ट जो है जो चीज़ रिटर्न कर रहा है ये खुद ख़त्म हो जाएगा, वो उसकी जगह मतलब इसकी जगह पे एक स्ट्रिंग आ जाएगा, ऐसे एक स्ट्रिंग आ जाएगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, वेरिएबल में पकड़ लिया वैल्यू में। अच्छा, और वैल्यू को मैं अब क्या करा देता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग वैल्यू। अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, जो भी उसके में वैल्यू पड़ी हुई है, ये क्या हुआ, अच्छा कॉन्सोल पे प्रिंट होगा ना, सही है, ये समथिंग उसमें लिखा हुआ था यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस जगह पर वैल्यू को सेव भी कर सकते हैं और बाद में उसको यहाँ से गेट भी कर सकते हैं, राइट। ये हमारा है टोटल मिला के लोकल स्टोरेज की कहानी ख़त्म हो गई यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल, कोई सवाल है किसी का जी? लोकल स्टोरेज की ज़रूरत हमें जब पड़ेगी जब हमें ब्राउज़र लेवल पे कोई बात को सेव कराना है। हाँ, जो भी बात आपने सेव करानी है, एज अ डेटाबेस ये काम कर रहा होता है, छोटा सा डेटाबेस है। डेटाबेस में आप मिसाल के तौर पे बंदे ने डार्क मोड अगर सेट किया है तो आप ये चाहते हैं जी कि जब भी बाद में खोले डार्क मोड पे ही रहे, तो वो लोकल स्टोरेज में आप सेट कर देंगे कि इसने डार्क मोड सेट कर दिया है, या उसने कोई ख़ास किस्म की कॉन्फ़िगरेशन की है जो सिस्टम से रिलेटेड है,
किसी दूसरे सिस्टम पे वो अलग होगा, इस सिस्टम पे लेकिन वही रहे जो बंदे ने सेट कर दिया। तो इस तरह की छोटी मोटी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेट कर सकते हैं। वैल्यू में प्रॉम्प्ट, हाँ प्रॉम्प्ट क्योंकि स्ट्रिंग देता है रिटर्न, तो प्रॉम्प्ट यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। हाँ हाँ नहीं, यूज़र का इनपुट अलग से ले लो, कोई मसला थोड़ी है। अलग से यहाँ पे यूज़र का इनपुट ले लिया मैंने, लेट इनपुट इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपने ये प्रॉम्प्ट लगा दिया, ठीक है जो भी प्रॉम्प्ट में आपने सवाल पूछा। और बस ये इनपुट जब आपको मिल गया ना, ये स्ट्रिंग होना चाहिए लेकिन, और इस इनपुट को आपने यहाँ पे वेरिएबल लाके लगा दिया, सही है। दोस्त ने पूछा कि जी क्या इसमें यूज़र का इनपुट लेके इसमें सेव करवाया जा सकता है, तो जी हाँ करवाया जा सकता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन अब ऐसा करने की ज़रूरत शायद पड़े शायद ना पड़े, नहीं इसमें तो अभी देखते हैं ना वो क्या करते हैं, अभी मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अब पहला सवाल सबसे ये आना चाहिए कि अगर मैंने वैल्यू गेट की और उस नाम से कोई की मौजूद, जो मैंने जो की का नाम लिखा है, जैसे मैंने ये की का ये नाम लिख दिया, अब इस नाम से तो कोई की मौजूद नहीं है ना, वैसे सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है तो नेम के नाम से तो की मौजूद है लेकिन सब्जेक्ट के नाम से कोई की मौजूद नहीं है, तो अब क्या होगा। मैंने गेट आइटम की एक ऐसी की का नाम लिख दिया जो मौजूद ही नहीं है, तो क्या होगा, ये कुछ ना कुछ फॉल्सी वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो अनडिफाइंड या तो नल, तो हमारे केस में ये क्या रिटर्न करेगा, नल, सही है नल रिटर्न करेगा। अगर उसको वो वैल्यू मिल गई तो वो ले आएगा, नहीं मिली तो नल ले आएगा, ठीक है। दोबारा मैं ओ बी जे टू को गेट करता हूँ अगर, तो ओ बी जे टू में ये मुझे समथिंग मिल रहा है, सही है समथिंग मुझे मिल रहा है ओ बी जे टू में, तो ये बात कन्फर्म हो गई। अब हमने वैल्यू को सेट कराना देख लिया लोकल स्टोरेज में, हमने वैल्यू को गेट कराना देख लिया लोकल स्टोरेज में, और एरर हैंडलिंग देख ली कि जी नल होगा तो इसका मतलब है वो वैल्यू नहीं मिली। अब अगला सवाल ये आना चाहिए कि जी इसमें हम ना ऑब्जेक्ट को कैसे सेव करवाएंगे, क्यों ऑब्जेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें इसमें सेव कराना पड़ सकता है। अच्छा अब हम बना देते हैं यहाँ पे एक अदद ऑब्जेक्ट, इसको रोक देता हूँ मैं इतने को। मैंने कहा कि जी लेट और स्टूडेंट इक्वल्स टू नेम मलिक, सब्जेक्ट साइंस, और ठीक है जी ये मैंने चार वैल्यूज लिख दी, इसमें जो है वो स्ट्रिंग भी है, इसमें नंबर भी है, और एक इसमें जो है ना मैं बुक्स जो है मैंने एक एरे भी बना दिया। सही है एक मैंने एरे भी बना दिया। अब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं लोकल स्टोरेज में कैसे सेव करवाऊंगा ये अब क्वेश्चन है, ठीक है गौर से सब लोग देखें इसको यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में तंग कर सकता है ये आपको। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कॉल सिग्नेचर, और इसके दरमियान में ना मैं ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दे दूँगा मैं स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसको पास कर दूँगा। अब ये एक ऐसी मशीन है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, एक ऐसी मशीन है कि ये इस स्टूडेंट का जो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका स्ट्रिंग वर्जन मुझे ला के दे देगी, इसको स्ट्रिंगिफाई कर देगी, इसको क्या कर देगी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है जी। मैंने कहा कि जी लेट स्टूडेंट str, ठीक है यानी स्ट्रिंगिफाइड वर्जन के लिए मैंने str इसमें लगा दिया। अब ये स्ट्रिंगिफाइड वर्जन जो होगा ना इसका, वो ज़रा कंसोल करा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह का होगा। ठीक है ये स्ट्रिंगिफाइड वर्जन मैं आपको अभी इसका दिखाने लगा हूँ, ठीक है कुछ इस तरह का होगा स्ट्रिंगिफाइड वर्जन। सीधा एक लाइन में इसने कर दिया इसको और स्ट्रिंग बना दिया,
मैं इसको पूरे को कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ ना अपने वी एस कोड पे। ये इसने जो बना दिया ना वो कुछ इस तरह का बना दिया इसको। कुछ इस तरह का बना दिया। अच्छा इसको बैक टिक में करते हैं। ठीक है ऐसा बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया इसको। नहीं वो स्ट्रिंग के बीच में आ गया ना, पूरा स्ट्रिंग हो गया वो। वो देखो शुरू में स्ट्रिंग है, आखिर में स्ट्रिंग है, बीच में जो मर्जी लिखा, वो बीच में कुछ भी लिखा हुआ तो स्ट्रिंग ही हुआ ना वो। ठीक है अब चूंकि देखो स्ट्रिंग को मैंने बैकटिक से शुरू किया है ना, तो उसमें डबल कोट सिंगल कोट लिख सकते हैं। अगर मैं इसको सिंगल कोट से शुरू करूंगा, यानी डबल कोट से शुरू करूंगा तो एरर हो जाएगा ये, है ना। तो बैकटिक सबसे बेस्ट है इस वक्त, तो बैकटिक में मैंने लिख दिया इसको। ठीक है तो ये इस तरह का इसने बना दिया इसको। ठीक है ये स्ट्रिंगिफाइड वर्जन इसका मैंने आपको बता दिया क्या सीन है। अच्छा अब ये स्ट्रिंगिफाइड वर्जन मैं सेव करवा सकता हूँ लोकल स्टोरेज में। मैंने कहा कि जी लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम स्टूडेंट कॉमा स्टूडेंट str। ठीक है स्ट्रिंगिफाइड वर्जन पूरा का पूरा मैंने इसमें सेव करवा दिया। आगे देखते हैं जी सेव हो गया कि नहीं हो गया। रिफ्रेश किया मैंने, ये स्टूडेंट आ गया और स्टूडेंट के अगेंस्ट ये पूरा आप देखें वो स्ट्रिंग वर्जन इसका प्रिंट हो गया। अच्छा अब अगर मैं क्या करता हूँ इसको, कल को मैं करता हूँ गेट। मैंने कहा कि लेट, अब ये ऊपर वाला रोक देता हूँ पूरा, मैं ये ऊपर वाला रोक देता हूँ, वो तो एक बार चला गया ना उधर, अब वो उधर ही रहेगा। मैंने कहा जी स्टूडेंट str इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और मैंने कहा यहाँ पे स्टूडेंट। तो अब मुझे वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग उसी तरह मिलेगा जैसे मैंने रखवाया था। ठीक है अच्छा अब इस स्ट्रिंग को अगर मैं कॉन्सोल कराऊंगा तो ये बिल्कुल उसी तरह से कॉन्सोल हो जाएगा। आगे देखते हैं जी, ये बिल्कुल उसी तरह से कॉन्सोल हुआ। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस स्टूडेंट str पे डॉट लगा के मैं नेम गेट नहीं कर सकता। ये मुझे क्या देगा, ये मुझे एरर देगा। ये एरर क्यों नहीं दिया इसने। अच्छा कॉन्सोल डॉट लॉग लगा देते हैं ना। सही है अनडिफाइन दे रहा है, एरर नहीं दिया इसने लेकिन अनडिफाइन दे रहा है कि जी इस पर नेम पे कुछ भी नहीं है। सही है या मैं इस पर डॉट लगा के कैंपस कॉल करता हूँ। सही है तो भी मुझे ये अनडिफाइन दे रहा है। अच्छा अगर मैं इसको ये कर दूँ कि भाई स्टूडेंट डॉट कैंपस इक्वल्स टू समथिंग, तो फिर मुझे ये फिर बाकायदा एरर देगा। स्टूडेंट डॉट कैंपस पहले गुलशन था तो मैंने कह दिया कि ABC कुछ और रख दिया मैंने इस पर। अब ये क्या करेगा, ये एरर पता नहीं क्यों नहीं दे रहा, स्ट्रिंग है हालांकि ये नहीं, कॉन्सोल पे भी एरर देना चाहिए उसको। अच्छा इसकी टाइप हम चेक कर लेते हैं, टाइप क्या है। टाइप चेक करने का तरीका जावास्क्रिप्ट में ये होता है, टाइप ऑफ लगाते हैं और स्पेस डाल के भी लिख सकते हैं और ऐसे गोल ब्रैकेट भी डाल के लिख सकते हैं। ठीक है स्पेस वाला शायद ज़्यादा सही है। अब टाइप ऑफ अनडिफाइन, अच्छा नहीं सही है, ये तो डॉट कैंपस है ना, मुझे स्टूडेंट स्ट्रिंग की टाइप जाननी है, तो इसकी टाइप स्ट्रिंग है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है स्टूडेंट। ठीक है तो स्ट्रिंग पर डॉट वॉट लगा के कुछ भी, डॉट लेंथ मिलेगा इसके ऊपर, डॉट लेंथ में मिलेगा लेकिन डॉट कैंपस उसमें अनडिफाइंड है। अच्छा अब इसको वापस मुझे कन्वर्ट करना है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में, तो मैं क्या करूँगा इसी जेसन को इस्तेमाल करूँगा। जेसन डॉट पार्स के नाम से एक और फंक्शन है, जेसन डॉट पार्स को कॉल करूँगा और इस पार्स को मैं क्या दूंगा, स्टूडेंट का ये स्ट्रिंग वर्जन उसको दूंगा मैं, और ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, वापस वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा जो मैंने स्ट्रिंगिफाई किया था। ठीक है और उसके बाद मैं कॉन्सोल डॉट लॉग लगा के जब इसका लूँगा इससे स्टूडेंट डॉट कैंपस, तो मुझे ये स्टूडेंट डॉट कैंपस उसी तरह मिलने लग जाएगा। ठीक है ये गुलशन मुझे मिल गया भाई। वो लोकल स्टोरेज से जब भी उठाओगे ना वापस तो उसको पार्स करना पड़ेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसको पार्स करना पड़ेगा। ठीक है कहाँ बंद कर दिया था, इस कौन सी लाइन नंबर बताओ। हाँ ये मैंने बना के ना
ये लोकल स्टोरेज में सेव हो गया, वंस वो सेव हो गया मैंने कमेंट कर दिया, अब तो सेव है ना वो, अब मैं हाँ उसको अब मैं यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ, सही है वो, वंस वो सेव हो गया अब वो कहीं नहीं जाता, ब्राउज़र बंद भी कर दूंगा तो रहेगा, तो मैंने इसलिए वो सेव करने वाला जो आइटम था उसको मैंने रोक दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे अब, ठीक है, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने रोका है ताकि आपको ये चीज़ बाकायदा मैं वो करा सकूँ कि जी वो ये सेट करने वाला पार्ट मैंने रोका हुआ है, वो ऑलरेडी जो सेट हुआ हुआ है वो उसी को मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको बावर करवाने के लिए मैंने इसको रोका है, वरना इसको मैं लगा रहने दूँ खोल दूँ तो भी कोई इशू नहीं है, सही है। तो जी हमने क्या किया, नंबर वन हमने लोकल स्टोरेज में आइटम गेट कराना सेट कराना देख लिया सिंपल प्लेन स्ट्रिंग, नंबर दो हमने देख लिया कि जी कोई ऑब्जेक्ट अगर हो तो उसको हम पार्स करा के और स्ट्रिंगिफाई करके कैसे लोकल स्टोरेज में रखवा सकते हैं और उससे वापस निकलवा सकते हैं, सॉरी नहीं स्ट्रिंगिफाई करके रखेंगे, स्ट्रिंगिफाई करके रखेंगे और निकालने के बाद उसको हम पार्स करेंगे। अच्छा इसमें किसी का कोई अगर सवाल है तो यार पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। अच्छा अब मैं ये करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में ना एक लगा देता हूँ मैं बूलियन, सही है, सही हो, मैंने पूरे को खोल दिया, इसमें एक जो है ना मैं लगा देता हूँ बूलियन भी, मैंने कह दी इज एक्टिव, ठीक है ट्रू, इज एक्टिव ट्रू, अब इसको रख के देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, ये देखो इज एक्टिव ट्रू भी साथ साथ इसके स्ट्रिंगिफाई हो गया, ठीक है। अच्छा सिर्फ अगर आपने ट्रू या फॉल्स रखना है, सिर्फ ट्रू फॉल्स, तो उसको भी स्ट्रिंगिफाई कर सकते हैं आप बिल्कुल। अच्छा सिर्फ ट्रू फॉल्स रखने के लिए तो मुझे शायद पूरा पूरा ट्रू पूरा फॉल्स लिखना भी नहीं है, 0-1 करके उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा फ्लैग लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, असल में पूरे ऑब्जेक्ट का मेन मसला है, सिर्फ ट्रू फॉल्स के लिए तो आप 0-1 कर दें उसको, या पूरा पूरा ट्रू पूरा पूरा फॉल्स लिख दें आप हाथ से, ठीक है वो भी हो जाएगा, लेकिन ये मैं एक्सपेरिमेंट करके मैंने नहीं देखा कि अगर सिर्फ ट्रू लिखूं मैं, अगर मैं सिर्फ ट्रू लिखूं तो क्या उसको ये पार्स कर लेता है, सही कर लेता होगा, वैसे मैंने कहा कि लेट इज़ एक्टिव, ये मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है लेट इज़ एक्टिव और उसमें मैंने डाला ट्रू, और मैं इस इज़ एक्टिव को यानी कि ट्रू को स्ट्रिंगिफाई करने की कोशिश करता हूँ और उसको मैं रखवा रहा हूँ उसके अंदर, अब देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश किया मैंने एप्लीकेशन में गया, रख दिया भाई इसने ट्रू, स्ट्रिंगिफाई में ओके हो गया वो, ठीक है, तो सिर्फ ट्रू को भी स्ट्रिंगिफाई कर सकते हैं, अच्छा एरे को भी कर सकते हैं, नंबर को भी कर सकते हैं स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, नंबर पे तो डॉट स्ट्रिंग करके वो मिल जाता है स्ट्रिंग वर्जन उसका। अच्छा जी हाँ लोकल जेसन फाइल हमारी अगर ब्राउज़र लेवल पे अगर पड़ी हुई है तो देखो सिस्टम का तो एक्सेस होता ही नहीं है ना इसमें, वेब पेज के ऊपर सिस्टम का एक्सेस तो नहीं होगा ना, ये हो सकता है कि आपके फोल्डर में पड़ा हो यहाँ पे इंडेक्स फाइल के पड़ोस में, इससे पीछे का तो एक्सेस होता ही नहीं है ना, हाँ तो इसमें फाइल करके एक होता है ब्लॉब, एक ब्लॉब करके एक चीज़ होती है, वो मैं भी लिखूँगा तो आ जाएगा कि जी रीड फाइल जावास्क्रिप्ट, सही है, वो ब्लॉब वाला एक तरीका मौजूद है, ये आ गया ना, हाउ टू रीड लोकल फाइल इन जावास्क्रिप्ट, ये इसने देखो पकड़ाया है इसे। अच्छा ये तो ऑन चेंजेस लगाया हुआ है कि वो फाइल इनपुट से उठा रहा है, लेकिन फाइल इनपुट की बात नहीं है हमारे केस में, तो हमें पता होगा ना कि फाइल कौन सी है, तो अब इसने पता नहीं ये कौन सा किया है तरीका, कैपिटल एफ से फाइल का एक ना इसमें वो होता है कंस्ट्रक्टर, उससे होता है ये काम, इसने पता नहीं ये कौन सा काम किया है, इसमें कैपिटल एफ से ना एक फाइल होता है, रीड लोकल फाइल लिखूंगा ना,
इसमें अभी वो वाला तरीका नज़र नहीं आ रहा कहीं। इसने जो है ना सब लोगों ने इनपुट से उठाना बताया हुआ है ना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, जब आप फाइल इनपुट से ना ये मिलता है इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, ये होता है एक एरे कि एक फाइल सेलेक्ट किए, दो किए, तीन किए, तो उसमें वो जीरो उठा लेते हैं। अब फाइल डॉट टेक्स्ट करने से उसका कह रहा है टेक्स्ट वर्जन मिल जाएगा, तो इसी तरह जेसन की फाइल भी होगी तो डॉट टेक्स्ट करके उसका वो स्ट्रिंगिफाइड वर्जन मिल जाएगा, उसको आप पार्स करोगे वो जेसन बन जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर जब पाथ पता होता है ना फाइल का, तो उसको जो है ना कैपिटल एफ़ के ज़रिए होता है, कैपिटल एफ़ से एक फ़ाइल का एक इसमें ना कंस्ट्रक्टर होता है, उससे वो सबसे बेहतरीन है। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा अभी यहाँ पे, पता नहीं शायद वो सिर्फ नॉट जेएस में ना होता हो। वेल, फाइल रीड करने की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी, ब्राउज़र में? हाँ अच्छा, हो तो जाएगा, खैर ये हो जाएगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। पहले असल में इसको फाइल सिस्टम का एक्सेस नहीं होता था ना, जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल ही नहीं होता था, फाइल इसमें ना क्रिएट होती थी ना बनती थी, तो अब तो इसमें इतना हो गया है कि नई फाइलें आप इवन क्रिएट भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से ना, तो वो फाइल ऑपरेशन सारे हो जाते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, वेल अब हमारा काम क्या है, अगला काम, ये पहला माइलस्टोन हमारा हो गया कि जी हमने सेव कराना सीख लिया। अगला काम हमारा ये है जी कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ये पहले से हम लिख के दे रहे होते हैं ना इसको कि जी पहले से ये तीन टिकट बने हुए आ रहे हो, हमने अब इसको करना है डायनेमिक कि जी डायनेमिक टिकट बन के आ रहे हो। कैसे होगा वो, सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा हमें फाइल इनपुट, हर कॉलम के अंदर एक अदद फाइल इनपुट होगा, वो फॉर्म होगा है ना, सबसे पहला आइटम जो होगा वो कॉलम में वो एक फॉर्म होगा, हेडिंग से भी पहले नहीं, हेडिंग के बाद होगा यार, हेडिंग के बाद भी नहीं बल्कि लास्ट में होगा है ना, दरमियान में टिकट्स होंगे, सबसे लास्ट में वो लिखेगा, एंटर करेगा तो वो अपेयर हो जाएगा। अच्छा एक्शन इसका हम हटा देते हैं यहाँ से, माइक बंद हो गया अच्छा एंटर योर टास्क हेयर है ना, ये मैंने इसमें बात लिख दी, एंटर योर टास्क। अच्छा और इसमें सबमिट का जो बटन है वो बनाना तो है मुझे, लेकिन उसको रखना है हिडन, तो मैं क्या रखूँगा, मैं बटन बना दूँगा ऐसे सबमिट, और उसकी मैं टाइप कर दूंगा सबमिट मे बी, सही है, और इसको मैं कर दूंगा हिडन। हिडन कैसे होगा ये, कौन बताएगा, बस ये हिडन हो गया। एंटर योर टास्क लिखूंगा, एंटर मारूंगा, पेज रिफ्रेश हो रहा है, इसका मतलब है फॉर्म सबमिशन काम कर रही है। अभी इस पर स्टाइलिंग जो लगानी है वो हम थोड़ी देर में लगाते हैं, सही है, स्टाइलिंग इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारी कि जब यहाँ पे मैं कुछ लिख के एंटर करूँ तो एक ऊपर टिकट बना हुआ है, जो पहले से ये तीन बने हुए हैं इसके साथ चौथा बना हुआ है। अच्छा जी क्या करना होगा इसके लिए, फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट लगाऊंगा मैं, और यार इसको चेंज भी कर दो यार, इसको यूँ खोल के उन्हीं के पास ले जाओ चेंज करा के लिए। अच्छा ऑन सबमिट पर मुझे एक फंक्शन चाहिए, मैंने कहा जी एड टिकट, ये एक फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है, और इसमें हम आज से पहले एक काम करते थे, वो ये करते थे ऐसे लगा के ना हम इसमें फॉल्स करते थे, ऐसे क्या करते थे, फॉल्स या रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स करते थे हम, जिससे क्या होता था कि हमारा पेज ना रिफ्रेश नहीं होता था, लेकिन अब हम एक बेहतर तरीका इससे वो इस्तेमाल करेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड इवेंट। यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐसे इवेंट, सही है, और इवेंट मैं लिखूंगा जब यहाँ पे
तो ऐड टिकट का जो फंक्शन है ना, इसमें मुझे ये पूरा इवेंट मिलेगा और उस इवेंट के ऊपर मैं प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा दूंगा, ठीक है। प्रीवेंट डिफॉल्ट से क्या होता है कि जो डिफॉल्ट बिहेवियर सारा रोक देगा उसका वो। अब डिफॉल्ट बिहेवियर में क्या क्या होता है, एक तो फॉर्म क्लियर हो जाता है, दूसरा पेज रिफ्रेश हो जाता है, दोनों नहीं होगा, सही है। जो भी डिफॉल्ट में उस बटन के क्लिक पे होता था ना, वो नहीं होगा। अब हम जो बोलेंगे सर वही होगा। तो मैं इस इवेंट के ऊपर क्या कर दूंगा, प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा दूंगा, ठीक है जी। इसको एक काम करते हैं, पहले नंबर पे ही बनाते हैं। मैंने कहा जी लेट, और अच्छा हमने वो टाइप मॉड्यूल इसमें नहीं लगाया ना, टाइप मॉड्यूल क्यों नहीं लगाया था हमने यार। टाइप मॉड्यूल लगा के बनाते हैं, ताकि हम क्या करेंगे, विंडो डॉट क्या बनाएंगे इस पर, विंडो डॉट करके इस पर हम ये नाम लिखेंगे इसका। क्या नाम था यार, ऐड टिकट, सही है। विंडो डॉट ऑन ऐड टिकट करके लिखेंगे हम, ठीक है। ये सिर्फ जब लगाएंगे, जब टाइप मॉड्यूल की लगाएंगे जब ही होगा, क्योंकि ये हम ग्लोबल फंक्शन बना रहे हैं। अच्छा, अब ग्लोबल फंक्शन बनाना और ग्लोबल वेरिएबल बनाना, ये है डिस्करेज, इसको डिस्करेज किया गया है, ठीक है। पहले तो मुझे ये इवेंट, या वहाँ जो लिखा था ना इवेंट मैंने, ये वाला, वो इवेंट मुझे यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। अच्छा, इसको स्पेलिंग यही रखें तो बेहतर है सर। सिर्फ ई लिखेंगे तो भी मिल जाता है, यहाँ पे ई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा इवेंट लिखना होता है, तो बेहतर ये है कि दोनों पे आप पूरा इवेंट लिखें, तो अदरवाइज़ वो आपको मिलने में मसला करता है। वेल, तो मैं क्या करूँगा, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, सही है। सही है, एक कॉन्सोल लगा दिया, और बस छोड़ दो, ऐसे ही करते हैं बगैर इसकी। अच्छा, मैंने क्या कर दिया, इवेंट पे प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा दिया, जिससे पेज रिफ्रेश नहीं होगा, और एक कॉन्सोल लगा दिया। तो इतने को पहले चला के देखते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, ये क्या हुआ, ऑल टिकट्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, एस नहीं लगाया ना इसमें मैंने, है ये क्या चक्कर है, इसको कॉपी करके ज़रा नीचे पेस्ट कर देते हैं। नाइन्टी पे भी, अच्छा ऑल टिकट है ये तो, ये कैसे नॉट डिफाइन हो गया भाई, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है। चलो लेट लगा देते हैं, वैसे ये है तो गलत लिखा हुआ है कोड, लेट के बगैर लिखा हुआ था ऑल टिकट्स, ऑल कॉलम्स भी बगैर इसके लिखा हुआ है, ये क्या सीन है यार। कल हमने ये ऐसे ही किया कोड, बगैर लेट लगाए कोड किया हुआ है। वेल, चलो इसको मैंने क्या कर दिया, अभी वो मसलों को हल कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और कुछ भी लिख के मैं एंटर करता हूँ, तो ये सबमिट तो यहाँ पता चल गया मुझे, लेकिन मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, ना ही मेरा फॉर्म क्लियर हुआ, ये प्रीवेंट डिफॉल्ट की वजह से हुआ है, ठीक है। अच्छा, वो जो रिटर्न फॉल्स हम लगाते थे ना सब ऑन सबमिट के साथ, उसका मतलब उसका भी यही था, मतलब उसका भी यही था कि जी कोई फंक्शन अगर फॉल्स रिटर्न करे तो वो प्रीवेंट डिफॉल्ट के इक्वल समझा जाता है। तो वो थोड़ा शॉर्टकट था, हमने इवेंट्स पढ़े नहीं थे उस वक्त, इसलिए हमने वैसे कर लिया था। अच्छा, अब ये विंडो डॉट ऐड टिकट करके जो मैंने ग्लोबल फंक्शन बनाया ना, ये फंक्शन इस तरह बनाना भी डिस्करेज्ड है, इस तरह नहीं बनाना इसको, ये लास्ट रिजॉर्ट है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये फॉर्म का जो ऑन सबमिट है ना, जो इसको कट करना है यहाँ से, और इसको देनी है गलत आईडी, ठीक है, ऐड टिकट फॉर्म, सही है। और मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको करना है कि जी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्या नाम रखा था मैंने इसका, ऐड टिकट फॉर्म, ऐड टिकट फॉर्म हो गया, ठीक है। डॉट ऐड इवेंट लिसनर, सही है, वो डॉट ऑन सबमिट उधर नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे लगाना ज़्यादा बेहतर है,
ऐड इवेंट लिसनर किया, ऐड इवेंट लिसनर पे मैंने लगाया कि जी इवेंट कौन सा है, सबमिट का इवेंट है, और कॉमा लगा के मैं वो पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे डाल दूंगा जो मैंने लगाना है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन ये मैंने उठाया, ऐसे कट किया और यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया, ठीक है। फंक्शन का टॉपिक पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये आ गया एनोनिमस फंक्शन, बगैर किसी नाम के, इस फंक्शन का नाम नहीं है, सही है। इसको फंक्शन के कीवर्ड से लिखूंगा मैं, ES5 के तरीके से तो भी बगैर नाम के होगा, ES6 के तरीके में दो भी बगैर नाम के होगा, ठीक है। इवन ES6 के अंदर से नेम्ड फंक्शन का खात्मा कर दिया गया है, ES6 में तमाम फंक्शन एनोनिमस फंक्शन होते हैं, उसको आप किसी वेरिएबल में सेव कराओ आपकी मर्ज़ी है, नहीं कराओ आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये इस तरह से ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, 80% ऑफ द टाइम जो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का इस्तेमाल होता है ना वो इस तरह से होता है, ठीक है। वो अकेला बनता है, पास हो जाता है, दैट्स इट, ख़त्म कहानी उसकी। कौन से पुराने वाले को? नेम्ड फंक्शन को, ग्लोबल फंक्शन को इसलिए डिस्करेज किया है कि वो ना रजिस्टर हो जाता है, और दूसरा उसमें होस्टिंग परफॉर्म होती है, होस्टिंग वोस्टिंग सब ख़त्म कर दी इसमें से, जो जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है ना वो बिहेवियर कर दिया इसमें। और ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल फंक्शन, जो भी चीज़ ग्लोबल होती है ना उसमें प्राइवेसी के इशूज़ होते हैं, वो हर जगह मिल रहा होता है, तो ये एक इशू है सबसे बड़ा। अब मिसाल के तौर पे मैं किसी बनी हुई वेबसाइट पे एज अ लाइब्रेरी मैं अपनी जावास्क्रिप्ट लगाता हूँ, मेरी लाइब्रेरी को तमाम वेरिएबल का एक्सेस होगा, ये कोई अच्छी बात है? ये अच्छी बात तो नहीं है। तो ग्लोबल इसलिए डिस्करेज है, ये विंडो डॉट करके मैं बनाऊँगा ना तमाम लाइब्रेरीज को इस वेरिएबल का एक्सेस हो जाएगा, सही है। तो वेल, अभी आपके सोचने की चीज़ नहीं है कि अब ये क्या है, ये आगे की कहानी है, ये नेटवर्क सिक्योरिटी वाले डिसाइड करते हैं कि जी ये क्या चीज़ को डिस्करेज करना है, किसको इनकरेज करना है, इन मामलों को लेकर, यानी ठीक है। आज से कुछ अर्से पहले तक लोकल स्टोरेज को सिक्योर समझा जाता था, लोकल स्टोरेज में बकायदा वो टोकन सेव करा देते थे, पासवर्ड सेव करा देते थे। अब इनको आइडिया हुआ जाके कि नहीं जी, वो लोकल स्टोरेज में तो कोई दूसरी लाइब्रेरी अगर है ना, कोई दूसरी लाइब्रेरी अगर जावास्क्रिप्ट अपनी लगा के बैठी हुई है तो उसको भी तो एक्सेस होता है सेम लोकल स्टोरेज का, तो वो तो वल्नरेबल है। मतलब मैं अच्छा अभी तो भाई, अगर कोई लाइब्रेरी लगी हुई है ना किसी वेब पेज के ऊपर, मेरी लाइब्रेरी है, तो मैं ये कर सकता हूँ ना कि उस जावास्क्रिप्ट में क्या करूँ, एक छोटा सा कोड लिखूँ कि लोकल स्टोरेज के सारे आइटम उठाओ, मेरे सर्वर पे भेज दो, मेरे डेटाबेस में सेव कर दो, तो ये तो वल्नरेबल है। किसी ने अगर पासवर्ड सेव किया हो गया, तो इसलिए अब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लोकल स्टोरेज में भी अब सेव नहीं करवाते हैं, लोकल स्टोरेज इज़ नॉट सिक्योर, वो सिर्फ कुकीज़ में सेव करवाते हैं। अब कुकीज़ हम जब सर्वर पढ़ेंगे तो जब देखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने ये कर दिया, अब मैंने दरमियान में क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट सही है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट कैसा एलिमेंट क्रिएट करना है, मैंने एक ऐसा एलिमेंट क्रिएट करना है, इसको जरा मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ फॉर द रेफरेंस। सही है, मुझे एक इस तरह का एलिमेंट क्रिएट करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा इस पर, सबसे पहले लिखाऊंगा div, कि भाई div बना दो, उसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखना है मैंने उसमें, नहीं इस पे कॉमा डाल के तीसरा क्या होता है, नंबर एक होता है, दूसरा ऑप्शन होता है, अच्छा दूसरा ऑप्शंस है, दूसरा स्ट्रिंग नहीं है, और ऑप्शंस में क्या होता है ये बता नहीं रहा कि ऑप्शंस में क्या क्या होता है। और वेल, अभी हम बुक से देख लेंगे कि क्या होता है, अभी हम बुक से देख लेंगे। बुक कहाँ गई हमारी, ये आ गया ना इंसर्टिंग नॉड्स। अच्छा, क्रिएट एलिमेंट में इसने कोई दूसरा पैरामीटर नहीं दिया। प्यारे बच्चों, आपस में बातें नहीं, ज़रा यहाँ तवज्जो दो, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, उसके बाद नमाज के लिए जाना है आप लोगों को, फिर नमाज के बाद वापस आके इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब अगला काम इसने किया है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नॉट किया है और हेलो वर्ल्ड इसके अंदर लिखा है, तो हम जो है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नॉट भी हमने भी करना है, जाहिर है, ठीक है। ये मेरा डिव बन गया, उसके अंदर ये टेक्स्ट बन गया मेरा, इस हेलो वर्ल्ड की जगह मैंने क्या लिखना है, मैंने वो लिखना है जो यूजर ने लिखा है,
तो वो कैसे लिखूंगा मैं? वो मैं उठा लूंगा जी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और टिकट टेक्स्ट डॉट वैल्यू। ठीक है, यूजर इनपुट, ये टिकट टेक्स्ट के नाम से मैंने ना, इसमें हैश नहीं लगाया मैंने, ये टिकट टेक्स्ट के नाम से मैंने उसको आईडी दे देनी है जाके ना। ये मैंने इसको क्या कर दिया, टिकट टेक्स्ट के नाम से आईडी दे दी। सही है, जो भी इसमें लिखा होगा वो उठा लूंगा मैं। अच्छा, और टिकट टेक्स्ट में जो भी बात लिखी हुई है ना, ये यूजर इनपुट, इस नाम से मैंने ये टेक्स्ट नॉट बना लिया। अच्छा, ड्रैगेबल इस पर ट्रू कराना है मैंने, तो इस पर एट्रीब्यूट भी लगाऊंगा मैं डिव के ऊपर, डिव डॉट सेट एट्रीब्यूट्स और यहाँ पे ड्रैगेबल इक्वल्स ट्रू। सही है, ड्रैगेबल इक्वल्स ट्रू हो गया। और क्या कराना है, क्लास देना है इसको मैंने, सही है, ये हो गया जी। और उसके बाद मैं लास्ट में क्या करूँगा, सबसे मैं बोलूँगा कि जी div डॉट अपेंड चाइल्ड और इसमें मैं डाल दूंगा t। सही है, अब ये मेरा div जो है ना तैयार हो चुका है। अब इस div को किधर डालना है मैंने, कॉलम के अंदर एज अ चाइल्ड डालना है। ठीक है, कॉलम के अंदर कहाँ डालना है, एज अ चाइल्ड। अच्छा, अब मैं कॉलम को उठाना पड़ेगा मुझे, कॉलम को उठा लेते हैं चल के भाई। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो फॉर्म है, एक ये कॉलम है और एक ये वाला कॉलम है, अब कौन से कॉलम का मैंने उठाना है। सही है, इसमें मुझे लॉजिक लगानी पड़ेगी कि जिस फॉर्म, जो फॉर्म सबमिट हुआ है ना, उसका डॉट पेरेंट, जो फॉर्म सबमिट हुआ है अभी, उसका इवेंट मिला है ना डॉट पेरेंट, तो उसका मतलब है यही वाला कॉलम हर दफा। अदरवाइज मैं कॉलम करके उठाऊंगा तो दोनों आ जाएगा, अब जीरो या वन, दो कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, तो इस पे सबमिशन पे मुझे जो इवेंट मिला है उसका मैं क्या करूंगा, डॉट पेरेंट कॉल करूंगा। सही है, आ जाओ भाई, डॉट पेरेंट नॉट कॉल करते हैं, ये है ना जी इवेंट जी भाई। इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट नॉट और इस पेरेंट नॉट को ज़रा हम कंसोल कराते हैं कि क्या मिलता है हमें इसमें, सी ओ एल यू एम एन। अरे यार, ये मैं प्रिंट क्यों लिख रहा हूँ, बगैर लेट के काम कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ पाइथन पे आजकल, असल में मैं कर रहा हूँ काम, तो पाइथन और जावास्क्रिप्ट को मैं कर रहा हूँ मिक्स। पाइथन में ना लेट लिख के बगैर होता है, तो मैं कल इसीलिए मैंने बगैर लेट के किया, अभी मैं प्रिंट लिखने लगा था। सही है जी, तो मैंने इसका पेरेंट नॉड कॉल किया और इसको प्रिंट कराने की कोशिश की, देखते हैं क्या मिलता है। कॉलम मिल गया मुझे, डॉट पेरेंट नॉड किया, ये कॉलम मिल गया मुझे। अच्छा, अब इस कॉलम के अंदर मुझे इसको क्या करना है, अपेंड करा देना है। मैंने कहा कि जी कॉलम डॉट अपेंड चाइल्ड और अपेंड चाइल्ड में ये डिव मैंने लगा देना है। सही है, आते हैं जी, लिखा मैंने, एंटर किया, बन गया। अब एंटर करने से लेकिन ये बना किधर है, नीचे बना है लास्ट में। अब मुझे लास्ट में नहीं करना, मुझे लास्ट से एक पहले करना है, तो मैं क्या करूँगा, अब कैसे होगा ये काम, मतलब लास्ट का एक छोड़ के डालना है, सेकंड लास्ट पे मुझे डालना है उसको। अब हाँ भाई, जो बना चुके हैं पहले ही, इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट बिफोर से पहले, इंसर्ट बिफोर के नाम क्या लिखूँ मैं, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, हमारा जो लास्ट उसमें चाइल्ड है वो फॉर्म इटसेल्फ है, तो मुझे फॉर्म से पहले डालना है ना, तो मैं इंसर्ट बिफोर करके और फॉर्म से पहले उसको डाल दूंगा। ठीक है, इंसर्ट बिफोर का ज़रा हम सिंटैक्स यहाँ देख लेते हैं।
ठीक है, ये सिंटैक्स आ गया इंसर्ट बिफोर का। और इंसर्ट बिफोर में क्या करूँगा मैं, वो डाल दूंगा जो नया पैराग्राफ है, और जिससे पहले डालना है उसको इधर लगा दूंगा, ऐसा ही है ना। पैराग्राफ वन और न्यू पैराग्राफ, सही है जी, आ जाए। कॉलम के ऊपर डॉट में लगाऊंगा इंसर्ट बिफोर, और इंसर्ट बिफोर के बाद अब मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये पहले इसने न्यू पैराग्राफ ही लगाया ना, हाँ सही है, पहले इसने न्यू लगाया है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट में मुझे क्या मिलेगा, वो फॉर्म पूरा का पूरा इटसेल्फ मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी फॉर्म से पहले डाल दो बस इसको, आप रिफ्रेश करते हैं, अब सही हो गया। अच्छा फॉर्म मेरा वो क्लियर नहीं हो रहा, उसको क्लियर भी करा देते हैं यहाँ पे, ये जब सब कुछ हो जाए यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट, आई एम श्योर कि इसी से हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो फिर हम गूगल कर लेंगे इसको, ठीक है। यानी फॉर्म के ऊपर डॉट रीसेट, इवेंट डॉट टारगेट में वो पूरा फॉर्म मुझे मिलेगा, उस पर डॉट रीसेट कॉल किया मैंने, तो अब क्या होता है जैसे ही मैं लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो वो गायब हो जाता है, ठीक है। स्टाइलिंग इसमें रहती है, स्टाइलिंग हम करते हैं इसमें। सवाल जी, कोई सवाल है किसी का, कोई सवाल है यहाँ तक किसी का? अच्छा अभी भी हम, अभी तक हम वो काम नहीं करवा पाए हैं, देखो डायनेमिकली टिकट तो हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन ये टिकट क्रिएट करते करने के साथ साथ मुझे क्या करना है कि मुझे इसको लोकल स्टोरेज में भी साथ साथ सेव करवाना है, और जब मेरा पेज रिफ्रेश हो तब तो ज़ाहिर है स्क्रीन पे कुछ भी नहीं होगा, पेज रिफ्रेश होते ही, पेज रिफ्रेश होने के बाद जो पहला काम मैंने करना है वो लोकल स्टोरेज से उठाना है और इधर दोबारा रेंडर करना है उसको, ये काम मैंने करना है। तो ये अगला माइल स्टोन है हमारा। अब जल्दी से ना नमाज का टाइम हो गया, आप सब लोग नमाज़ पढ़ने चले जाएं, वापस आके ये काम करके फिर हम छुट्टी करेंगे, ठीक है जी। चलें जल्दी से लेते हैं, हमने क्या कर लिया था अभी तक, अभी तक हमने ये कर लिया था कि जी हमने लोकल स्टोरेज का ना ओवरव्यू ले लिया था कि लोकल स्टोरेज काम कैसे करता है, और ऑब्जेक्ट को या एरे को लोकल स्टोरेज में सेव हम कैसे करवाते हैं। अच्छा अब हमने यहाँ पे ना जो जितने भी टिकट्स हैं उसके ऊपर एक इवेंट लगाया हुआ है, और जितने भी कॉलम्स हैं उन पे भी इवेंट लगाया हुआ है, ठीक है। और जब भी ड्रैग करके कॉलम पे लाके ड्रॉप किया जाता है तो हम चेक करते हैं जी कॉलम है तो ठीक है जी उसको ऐड कर दो, ठीक है। अब हमें जो सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो पहले से ये लिखा हुआ आ रहा है ना, ये वाला, ये कहाँ गया वो टिकट्स, ये जो तीन टिकट पहले से बने हुए आते हैं, रिफ्रेश, ये तीन टिकट जो पहले से बने हुए आते हैं ना, ये हमें ख़त्म करना है, ये इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, एंटर करेंगे, टिकट बन के आ जाएगा, तो आ जाते हैं। चलो बल्कि उन तीनों को रहने देते हैं, पहले इसको ज़रा लोकल स्टोरेज में सेव करने की हम तरतीब बनाते हैं जी। टाइप मॉड्यूल लिखा हुआ है वो, यार ये टाइप मॉड्यूल ना नया वाला, नई वाली जावास्क्रिप्ट है ये, अगर इसकी अलग से फाइल बनाऊंगा मैं तो इसका मैं फाइल एक्सटेंशन रखूंगा .mjs, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ छोटी छोटी चेंजेस हैं, जो ES5 से ES6 में ट्रांजिशन था, अब ES6 में ये मॉड्यूल JS करके है। मिसाल के तौर पे इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक स्क्रिप्ट के टैग में अगर कोई वेरिएबल बनाया तो वो दूसरे स्क्रिप्ट के टैग में आपको नहीं मिलता है। अच्छा अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल बनाना तो आप विंडो डॉट करके बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह के छोटे छोटे से इशूज़ हैं जो आपको शायद फेस करने पड़ेंगे इसमें, तो वो जहाँ जहाँ पर आता जाएगा मैं वो बताता जाऊँगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं। कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा तो फिर मैंने ये इतना ज़्यादा डिफरेंस अगर नहीं है तो मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिखा है भाई कि आप जब जाएंगे किसी जगह इंटरव्यू पे या कहीं जॉब करने जाएंगे, वो कहेगा आपको ES6 आती है, आप डर जाएंगे कि पता नहीं ES6 में क्या होता होगा। अच्छा ES6 भी आती है, वो कहेगा यार मॉड्यूल JS वाली आती है ES6, आप फिर डर जाएंगे। तो ये डर आपका निकालने के लिए मैंने इसको लगा दिया है कि भाई इसमें यही होता है और कुछ इतना ख़ास नहीं है।
तो अब आप कहेंगे कि हाँ आता है, बल्कि वो आपसे कहेगा कि जावास्क्रिप्ट आती है, आप कहेंगे ES6 आता है। वो अगर आपसे पूछेगा ES6 आता है, आप कहेंगे ES6 आता है मॉड्यूल वाला, मॉड्यूल JS। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, वो कितना इतना बड़ा कोई डिफरेंस है नहीं, लेकिन वो इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो मुझे पता है ना, आपको कैसे पता चलेगा, तो इसलिए मैंने लगा दिया कि आपको ही पता चल जाए। जी कभी भी हमें जब इवेंट मिलता है ना कोई, जैसे ये सबमिट का जो इवेंट है, ये सबमिट का इवेंट मैंने किस पे लगाया हुआ है, ये वाला जो फॉर्म है मेरा, इस वाले फॉर्म, ये पूरा फॉर्म है कि इसमें एक ही इनपुट फील्ड है, इस पे सबमिट लगाया हुआ है, तो ऑन सबमिट पे मुझे इवेंट मिलता है। इवेंट पे मैं जब प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट लगाता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि इस इवेंट पे, आप लोगों को याद होगा जब हमने इवेंट पढ़ा था तो हमने ये बात देखी थी कि इवेंट क्या होता है, कोई भी काम जब होता है तो वो एक इवेंट कहलाता है। जैसे जी बल्ब टूटा, इवेंट है, बल्ब ऑन हुआ, बल्ब ऑफ हुआ, ऑन होना एक अलग इवेंट है, ऑफ होना एक अलग। तो अच्छा जी बटन दबाया है ना, बटन दबना एक इवेंट है, तो बटन दबने के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या होता है, ऑटोमेटिकली बल्ब ऑन हो जाता है। तो एक इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग में एक दूसरा इवेंट खुद से होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जब फॉर्म सबमिट होता है ना, तो सबमिट का बटन दबाना एक इवेंट है, लेकिन वो बटन दबाने पे क्या होता है, कुछ दो चार इवेंट खुद से हो जाते हैं, जैसा कि पेज रिफ्रेश हो जाता है, जैसा कि फॉर्म खाली हो जाता है, रीसेट हो जाता है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट में जो कुछ इवेंट खुद से चल जाते हैं ना, ये प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट में मैं कहता हूँ नहीं जी आप खुद से कुछ भी नहीं करो, खुद से आप डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को मैं प्रिवेंट कर देता हूँ कि जी इस इवेंट के नतीजे में जो जो कुछ होता था वो अब नहीं होगा, वो मैं करूँगा हाथ से, हाथ से कर सकता हूँ मैं इवेंट के ऊपर, इसी इवेंट पर डॉट रीसेट लगा दूंगा तो वही काम हो जाएगा, इसी इवेंट के ऊपर डॉट रिफ्रेश करके होता होगा, डॉट नेविगेटर डॉट रिफ्रेश है पता नहीं, तो वो पेज रिफ्रेश भी हो जाएगा, समझ लो। तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर मैंने सारा का सारा इसका प्रिवेंट कर दिया ये बात लिख के। अब इस बटन को दबाने से ना कुछ भी नहीं होगा, ना स्क्रीन हिलेगी, कुछ भी नहीं होगा, जो मैं करूँगा वही होगा। तो इसको लगाने का जो मेन मकसद है वो फिलहाल के लिए पेज को रिफ्रेश करना जो है ना उसको रोकना है। यार ये है ही थोड़ा डिम, वैसे उस तरफ देख लो तुम, या तुम आगे आ जाओ ना, ये सीट खाली है कोई यहाँ पे, यहाँ आ जाओ ना। अच्छा जी, तो जैसे ही ये सबमिट होता है, मैंने प्रीवेंट डिफॉल्ट कर दिया और यूज़र के इनपुट का एक एलिमेंट बना के मैंने उसको अपेंड करवा दिया कॉलम के अंदर, कॉलम के अंदर अपेंड करवा दिया। लेकिन अब मुझे साथ साथ क्या करना है, इसको लोकल स्टोरेज में भी सेव करवाना है। क्यों लोकल स्टोरेज में मुझे इसलिए सेव करवाना है ताकि पेज रिफ्रेश करूँगा ना तो वहाँ से उठा के दोबारा रख दूँगा, बंदे को लगेगा यार कुछ भी नहीं हुआ, डेटा कहीं गया नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और यहाँ पे करके मैं टिकट की रख दी और वैल्यू में क्या रख दूंगा मैं, यूज़र इनपुट। अच्छा जी ये तो हो गया एक, अब एक टिकट हुआ। अच्छा जब जैसे ही मैं दूसरा टिकट ऐड करूँगा तो की तो टिकट है, वैल्यू दूसरी आएगी, वो पुराना वाला रिप्लेस हो जाएगा। अब दूसरा टिकट कैसे ऐड होगा इसमें कौन बताएगा। हाँ भाई कौन बताएगा इसमें दूसरा, दो टिकट मुझे ऐड करना है या तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, उसको मैं लोकल स्टोरेज में कैसे ऐड करूँ स्ट्रिंग की फॉर्म में। प्लस इक्वल्स टू को फिर मैं उठाऊंगा कैसे, लूप कैसे चलाऊंगा उस पर। कल हमने जिक्र किया था कि एरे बनाऊंगा, एरे को स्ट्रिंगिफाई करके रखूंगा, या ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करके रखूंगा। तो एक से ज़्यादा आइटम के लिए अप्रोप्रिएट कौन सा है, सबसे एरे है सबसे अप्रोप्रिएट, कि जी दो आइटम है, तीन आइटम है, पाँच आइटम है, लाइन्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब यूज़र इनपुट को इस तरह से नहीं रखूँगा, बल्कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से मैं टिकट्स को उठाऊँगा, सही है। अब एस हो गया ना, क्योंकि एरे है तो एस कर देते हैं इसको। मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज से सबसे पहले डॉट गेट आइटम करूँगा, ठीक है, टिकट्स के पहले कुछ है इसमें कि नहीं है, ठीक है, गेट आइटम कर लिया मैंने। और गेट आइटम को करके क्या करूँगा, मैंने कहा एग्जिस्टिंग आइटम्स,
एग्जिस्टिंग टिकट्स मिल गए, ठीक है, एग्जिस्टिंग टिकट्स। अब ये मुझे क्या देगा, ये मुझे या तो देगा स्ट्रिंग, पहले से जो भी होगा वो स्ट्रिंग दे देगा मुझे, और या तो क्या देगा, नल देगा, सही। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके अंदर। अच्छा, अगर तो मुझे ये देता है स्ट्रिंग, तो मुझे इसको करना है पार्स, क्योंकि रखवाते हुए मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, एरे को स्ट्रिंगीफाई करके रखवाता हूँ, ये बात मुझे पता है, ठीक है। शुरू में पहले के केस में ये देगा नल, तो मैं इसमें लगाऊंगा और लगा दूंगा एम टी एरे, ठीक है। ये और वाला लॉजिकल ऑपरेटर हम इस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और का जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो पहला आइटम देखेगा, अगर ट्रू मिल गया तो ये रिटर्न कर देगा, अगर पहला आइटम ट्रू नहीं होता तो दूसरे पे जाता है ये, ठीक है। ये हमने एक डिस्कशन की थी, अगर किसी ने मिस कर दिया वो क्लास तो उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, लॉजिकल ऑपरेटर्स करके लिखेंगे आप तो आ जाएगी वो, ठीक है। तो ये और लगा के मैंने कर दिया इसमें। अच्छा, इसमें मैं इफ़ एल्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर और किसी को समझ नहीं आ रहा, वैसे तो और ही लगता है यहाँ पर, इस सिचुएशन में ना और ही लगाता है सब, हर कोई और ही लगाता है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जी आप ऐसे इफ़ भी लगा सकते हैं कि जी इफ़ एग्जिस्टिंग टिकट्स इक्वल्स नल, ठीक है। या आप जस्ट ऐसे भी कह सकते हैं एग्जिस्टिंग टिकट्स, कि कोई भी फॉल्सी या ट्रूथी वैल्यू को समझ लें आप, तो एग्जिस्टिंग टिकट्स अगर मौजूद हैं तो क्या करो, उसको पार्स करो, ठीक है। पार्स अभी हम करते हैं, अदरवाइज एल्स में जो है वो एग्जिस्टिंग टिकट इक्वल टू एम टी आर है, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो एम टी आर है, इसका मतलब ये है, ठीक है। क्योंकि पहली दफ़ा में तो वो नल देगा ना, हमेशा जब भी ऐप ओपन होगी पहली दफ़ा में नल आएगा, तो नल में मुझे एग्जिस्टिंग टिकट्स को मैंने करा दिया एम टी आर है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़ एग्जिस्टिंग टिकट मौजूद है अगर, तो मैं बोलूँगा कि भाई एग्जिस्टिंग टिकट्स को क्या कर दो, पार्स कर दो आप, ठीक है, जेसन डॉट पार्स, ऐसे करके मैंने इसको पार्स कर लिया, और उसको वापस किस में रखवा दिया, एग्जिस्टिंग टिकट में रखवा दिया, ठीक है। ये लॉजिक मेरी क्या बनी है, थोड़ी लंबी चौड़ी बनी है, ठीक है, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई एग्जिस्टिंग टिकट को उठा लो पहले, ये किस पे हो रहा है, ये उस बटन पे हो रहा है, यहाँ पे लिख के ना, मैंने यहाँ पे लिख के सबमिट का बटन दबाया, ये उस पे हो रहा है सारा काम, सबमिट का बटन दबाने पे यहाँ पे कार्ड तो मैंने ऐड कर दिया इधर इस जगह पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको लोकल स्टोरेज में सेव करवाने के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग आइटम उठा लिए, मेरे केस में मुझे पता है एम टी एरे मिलेगा, तो मैं इस पर तवज्जो देता हूँ। अब एम टी एरे आ गया, अब मैंने क्या करना है, मैंने कहा कि जी एग्जिस्टिंग टिकट्स डॉट पुश, सब लोगों को पता है, सही है, पुश से आखिर में वो एक आइटम ऐड करता है। मैंने कहा जी यूज़र इनपुट, जो अभी अभी फॉर्म में बंदे ने लिख के बाद सबमिट की है, वो बात मैंने यहाँ पुश कर दी, वो पुश हो गई। और उसके बाद मैंने कहा कि जी एग्जिस्टिंग टिकट को आप क्या करो, इसमें रखवा दो, लेकिन इसमें ऐसे तो नहीं रखवा सकते, पार्स करके स्ट्रिंगीफाई करके रखवाना होगा, तो मैं इसको स्ट्रिंगीफाई यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। मैंने कहा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टिकट्स, और यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, स्ट्रिंगीफाई किसी भी ऑब्जेक्ट को या एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। कल की क्लास में नहीं थे ना, तुम आए नहीं थे ना, जब ही तो पूछ रहे हो ये कलम, हाँ, पार्स उसका अपोजिट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट या एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंगीफाई, और उसको वापस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्ट्रिंगीफाइड अगर है वो, उसको हम पार्स करते हैं, स्ट्रिंगीफाई करके मैंने रखवा दिया, सही है। अच्छा, अब मैंने देखना क्या है, अब मैंने देखना ये है कि जी आता हूँ यहाँ पे मैं, और इसको रिफ्रेश करता हूँ, और जाता हूँ मैं इधर एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है जी, एप्लीकेशंस के अंदर अभी तक जो मैंने कार्रवाई कर दी है ऑलरेडी, इसको मैं क्लियर भी कर देता हूँ, ये मैंने लोकल स्टोरेज क्लियर कर दिया, सही है, पहले की जो चीज़ें उसको डिलीट कर दिया। अभी तक जो मैंने कर दिया है उसके मुताबिक अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख के एंटर का बटन दबाऊँ तो वो लोकल स्टोरेज में शो हो जाना चाहिए मेरे पास, ठीक है, एंटर शो हो गया। अच्छा, जब एक और चीज लिखूँ कुछ मैं और एंटर करूँ तो उसमें कॉमा लग के यहाँ पे देखो वो दूसरा आइटम भी आ गया,
ठीक है, दो आइटम आ गए। अब मैं जितने आइटम यहाँ डालता जाऊँगा वो कॉमा सेपरेटेड वहाँ पे शो होता जाएगा। नीचे आप देखें, नीचे भी ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये तीन आइटम जो है ना तीनों इधर शो हो गए। तो यहाँ तक तो मामला सेट। अच्छा, अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये स्क्रीन पे शो नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने लोकल स्टोरेज में करवाया, देखो वहाँ सेव है, पेज रिफ्रेश हो गया, लोकल स्टोरेज में आ रहा है। अच्छा, यहाँ तक की बात समझ आई। अभी मैंने क्या किया है कि कोई भी आइटम जब ऐड होता है तो मैंने उसको ऐड करते वक्त ना सिर्फ स्क्रीन पर टिकट बनाया उसका बल्कि लोकल स्टोरेज में भी उसको ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि जब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे उस लोकल स्टोरेज से उस आइटम को उठाना है और उठा के ला के दोबारा स्क्रीन पर रेंडर करवाना है उसको। ये काम मैंने करना है। अच्छा, उससे पहले चक्कर ये है कि ये तो टू डू वाले में मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी तो इन प्रोग्रेस में भी ये लगेगा ना, जो सबमिट का फंक्शन लगेगा, तो ये तो अभी है ही नहीं। अच्छा, फिर ये जो एरे है यहाँ पे जो मैं लिख के एंटर करता हूँ, ये तो एरे एक एरे है। अब इसमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा टिकट जो है टू डू के अंदर है, कौन सा टिकट जो इन प्रोग्रेस के अंदर है इस वक्त, ये तो नहीं पता चलेगा। अब कौन बताएगा इसको कैसे बनेगा इस। कैसे, मतलब इस एरे को मैं क्या कर दूं? हाँ भाई सोचो, ये डेटा, ये जो मैं बात पूछ रहा हूँ ना आपसे, ये डेटा स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ असल में कि इस चीज़ का डेटा स्ट्रक्चर अब बनेगा कैसे। कि जी वो दो अलग अलग कॉलम है ना मेरे पास, तो मैं ऐसे उसको स्टोर करूँ कि दोनों का डेटा जाए और जब मैं उठाऊँ तो दोनों का अलग अलग मुझे मिल भी जाए। अभी हमारे पास ये इस फॉर्म में डेटा जो मैं सेव करवाता हूँ लोकल स्टोरेज में, वो इस फॉर्म में करवाता हूँ। अब हमारे पास एक और भी एरे होगा जो ये पहले कॉलम का है, ये दूसरे कॉलम का है। अब अगर मैं ये कर दूँ, तरह से कर दूं अगर मैं, तो एरर क्यों दे रहा है भाई? एरर इसलिए दे रहा है कि इसको वेरिएबल नहीं दिया मैंने। सही, एक लेट ए बना देता हूँ। सही, ये वेरिएबल सीधा सीधा एरे, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट जो है ना उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या भला है। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, सही है ये, मतलब टू डू और, सही है, इसको भी स्ट्रिंग में कर सकते हैं। सही है, इसको भी स्ट्रिंग में कर सकते हैं। इसमें किसी का कोई शक? सब लोग एग्री हैं इस पर? टू डू में जो ऐड करूंगा वो इसमें लगाऊंगा मैं, प्रोग्रेस में जो ऐड करूंगा वो इसमें लगाता जाऊंगा। प्रोग्रेस में इमेजिन कर लो फिलहाल एक पहले से पड़ा हुआ है ना, बाय डिफॉल्ट हमने एक रखा हुआ है इन प्रोग्रेस में। सवाल तुम्हारा शायद मैं समझा नहीं, रिपीट करो सवाल। ऐड करते हुए जब ऐड कर रहे हैं तो फिर मूव करते हुए मूव भी कराएंगे, लोकल स्टोरेज से उठा के मूव करा के वापस रखवा देंगे। यानी जो जो काम हम इधर स्क्रीन पे कर रहे हैं ना वही मुझे उधर सेव भी करवाते जाना है साथ साथ, है ना। तो वो जब भी वो रिफ्रेश होगा तो सिंक हो जाएगा दोबारा। अच्छा, तो पहले तो अपना डेटा स्ट्रक्चर हम अपडेट करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, पहले हम अपना डेटा स्ट्रक्चर अपडेट कर लेते हैं। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर अपडेट करने के साथ साथ ना एक काम हम और भी करते हैं, एक काम हम और ये करते हैं कि जैसे ही पेज लोड होता है ना, अभी तो ये क्या होता है जी कि मैं डेटा इसमें से एग्जिस्टिंग टिकट कब उठाता हूँ? जब सबमिट का बटन क्लिक होता है जब उठाता हूँ। लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए कि मैं वो
पेज के रिफ्रेश होने, पेज लोड होते ही मैं डेटा को उठा लूँ उसमें से, क्योंकि डेटा उठाऊंगा तो उसी पे लूप चला के करूँगा, तो मुझे टॉप पे ये काम करना है। तो मैं ये एग्जिस्टिंग टिकट वाला जो काम है ना, इसको यहाँ से करूँगा कट, ठीक है, और इसको मैं ले जाऊँगा टॉप पे सबसे, है ना, ये काम तो मुझे सबसे फर्स्ट करना है, बिल्कुल पहला काम ही मुझे ये करना है। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं इसको एम्प्टी एरे नहीं होगा अब ये, अब ये क्या होगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा ये असल में, अब ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, और अगर तो ये कोई एग्जिस्टिंग टिकट्स मौजूद हैं, अच्छा इसमें अब एस भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम आमतौर पे एस नहीं लगाते। ऑब्जेक्ट का ये होता है कि जी पहला इसका लेटर हम कैपिटल कर देते हैं तो उससे पता चलता है कि जी ये ऑब्जेक्ट है। वेल, उस जावास्क्रिप्ट में लेकिन ये नहीं करते, ये दूसरी लैंग्वेजेस में करते हैं, ठीक है। तो इसमें एस हम ना लगाएं तो बेहतर है, इसका मैं एस हटा देता हूँ, सही है, एस मैंने हटा दिया। और लास्ट में मैंने इसके ना एग्जिस्टिंग टिकट ओ बी जे कर दिया इसको मैंने, ताकि हमें देख के पता चले कि जी ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो ये एग्जिस्टिंग टिकट मेरा आ गया। अब जब इसको मैं ऐड करवाऊंगा तो मैं इसको कैसे ऐड करवाऊंगा, सेट आइटम टिकट्स, चलो लोकल स्टोरेज में तो टिकट्स ही रहने देते हैं इसको। अच्छा, जब मैं इसको अब ऐड करवाऊंगा तो अब इसको मैं डॉट पुश नहीं कॉल करूंगा इस पर डायरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट में पुश नहीं होता डायरेक्ट। मुझे क्या करना है, मुझे इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर चाहिए ना, तो मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट डॉट टू डू डॉट पुश, मैं ऐसे करके बोलूंगा। अच्छा, तो मैंने इसको बोला है कि भाई तुम रुक जाओ ऐसे, डॉट टू डू है, ओ, क्या किया मैंने, ये डॉट टू डू में चला गया मैं, और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा डॉट पुश। अच्छा, अब क्या ख्याल है, इस कोड में कोई एरर तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, हाँ कौन सा दूसरा डिफाइन नहीं है, हाँ ये टू डू तो अभी है ही नहीं ना मौजूद, अभी ये एग्जिस्टिंग टिकट ऑब्जेक्ट, अब पहली दफा ऐप खुली है, मैं अज्यूम कर रहे हैं लोकल स्टोरेज में नल था, तो इस एग्जिस्टिंग टिकट में क्या है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अब एम्प्टी ऑब्जेक्ट पे जब मैं लगाऊंगा ना टू डू, तो टू डू है अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड पे पुश नहीं लग सकता। तो पहले मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जी ये जो इतना मेरा आइटम है ना, ये क्या है, ये मौजूद है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये कहता इफ कि जी इफ एग्जिस्टिंग टिकट ऑब्जेक्ट डॉट टू डू उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और अगर वो एग्जिस्ट करता है ठीक है तो ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है एल्स, तो मैं क्या करूँगा, एग्जिस्टिंग टिकट डॉट टू डू को ना एक एम्प्टी एरे बना दूंगा मैं, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो एक बना देते हैं एम्प्टी एरे हम, ये सीन है। अच्छा, अगर एग्जिस्ट करता है अगर, तब तो कोई इशू नहीं है, तो या कोई इशू है फिर भी। अच्छा, एक चीज़ और, मैं डॉट टू डू नहीं लगाऊंगा, सही है, डॉट टू डू मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसका जो, अब देखो इसके नाम में स्पेस है इन प्रोग्रेस, अब इन प्रोग्रेस को अगर मुझे एज इट इज़ लिखना है यहाँ पे, तो मैं इन लिखूंगा स्पेस दूंगा प्रोग्रेस, तो ये तो एरर है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये वाला नोटेशन लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, जो ओरिजिनल नोटेशन असल में यही है इसका, वो डॉट वाला जो वो एक समझ लो इजाफी है जो इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है, अदरवाइज वो स्क्वायर ब्रैकेट ही, एरे और ऑब्जेक्ट दोनों में जो डिफॉल्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, जिससे सारे काम हो जाते हैं। डॉट नोटेशन में कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, वो आपने देख ली अभी, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे वाला लगाऊँगा, सही है, टू डू, क्योंकि बीच में कहीं इसमें वो भी स्पेस भी आ सकता है अभी, इसको भी क्योंकि हमने डायनेमिक करना है, इसको हमने डायनेमिक कैसे करना है, हम कहेंगे जिस कॉलम में सबमिशन हुई है ना, उस कॉलम के पेरेंट में जाके देखो उसका जो टाइटल है वो रखो यहाँ पर, यही करेंगे ना, क्योंकि वो तो कॉलम तो डायनेमिक है, वो तो बनते जाएंगे सारे, अब हमें थोड़ी पता है कितने बन रहे हैं उसमें, हाँ किस नाम से बन रहे हैं, हमें थोड़ी पता है ये बात, तो हम क्या करेंगे उसको डायनेमिक उसको रखेंगे हम, कि जी पेरेंट में जाके देखो आप जो नाम है वो रखो यहाँ पे, कि जी अगर तो मिसाल के तौर पे जो सबमिशन हुई है ना उसके पेरेंट पे इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, तो लोकल स्टोरेज में इन प्रोग्रेस के नाम से ये हो। अच्छा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक कॉलम की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि जी एग्जिस्टिंग टिकट अगर मौजूद है तो मुझे कुछ नहीं कराना,
और अगर नहीं मौजूद है तो कराना है। अब इस कंडीशन को मैं पलटूं कैसे, कौन बताएगा? मतलब एल्स लगा रहा हूँ मैं बिला वजह, इफ़ को खाली छोड़ा हुआ है, तो मैं इस वाली चीज़ को इफ़ में कैसे लाऊं, कौन बताएगा? हैं, बिल्कुल सही बताया, नॉट लगा दें। मैं यहाँ पे लगा दूंगा नॉट, और नॉट लगा के जाहिर है कंडीशन अपोजिट हो जाती है, अब मुझे एल्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जी अगर एग्जिस्टिंग टिकट डॉट टू डू अगर नॉट उस पर लगा दिया, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई भी ट्रूथी वैल्यू होगी तो ये नॉट उसको फॉल्स कर देगा, तो ये नहीं चलेगा। और अगर यहाँ पे मिला मुझे नल या अनडिफाइंड, तो नॉट इसको कर देगा ट्रू, तो ऑटोमेटिकली फिर ये एम्प्टी एरे बन जाएगा। अच्छा, एम्प्टी एरे बना दिया मैंने, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे भी ना स्क्वायर ब्रैकेट ही मैंने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वो सब जगह फिर मैंने कहा जी एग्जिस्टिंग टिकट का टू डू और डॉट पुश उसके ऊपर लगा दो अब आप, और ये यूज़र का इनपुट मैंने पुश लगा दिया इसके ऊपर। आ जाते हैं जी, अब क्या रिपोर्ट है इसकी, इसको मैंने पुराने वाले को रिमूव कर दिया, पेज रिफ्रेश कर लिया, कुछ लिखा है यहाँ पे, सबमिट किया, और अब आप देखें ये जो है ना एक ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है जिसमें टू डू के नाम से एक एरे है। अब मैं मज़ीद कुछ लिखूँगा तो ये टू डू के एरे में चीज़ इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, इसी तरह अब मुझे इसके पड़ोस वाले में भी करना है, इसी तरह से अब मुझे इसके पड़ोस वाले में भी यही काम करना है मुझे जी। टू डू समझ नहीं आया, नहीं ये टू डू तो मैंने अभी कहीं से भी नहीं लिया। देखो ये जो मेरा पूरा का पूरा फंक्शन है ना, ये जो मेरा पूरा फंक्शन है जो जिसके अंदर मैं अभी कोड लिख रहा हूँ, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है जो यहाँ पे इस फॉर्म की सबमिशन पे जो चलता है, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ एंटर करता हूँ तो क्या होता है, ये जो सेलेक्टेड कोड है मेरा, ये पूरा जो अभी मैं जहाँ लिख रहा हूँ ये कोड एक दफ़ा चलता है। ये कोड करता क्या है, ये कोड करता है जी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एड टिकट फॉर्म को पकड़ के उस पर ये सबमिट का इवेंट लगाएगा, सही है। अच्छा, ये प्रिवेंट डिफॉल्ट करता है, ये यूज़र का इनपुट जो बंदे ने लिखा है उसको मैंने एक्सप्लोर करके निकाला। उसके बाद क्या करता है, एक नया एलिमेंट क्रिएट करता है, यानी कि एक नया टिकट बनाता है फ्रॉम स्क्रैच, और बना के क्या करता है उस कॉलम के अंदर जो है ना उसको इंसर्ट कर देता है, अपेंड कर देता है। ठीक है, ये काम हो गया, स्क्रीन पे मेरे पास चेंज नज़र आ गया। अब स्क्रीन पे तो चेंज नज़र आ गया, अब मुझे यही काम जो है, यही चेंज लोकल स्टोरेज में भी मुझे सेव करवाना है। ठीक है, तो उसका काम जी ये यहाँ से शुरू हो गया। अब मैंने क्या किया था, पेज लोड होते ही एक ऑब्जेक्ट मैंने तैयार किया है जो मैंने लोकल स्टोरेज से उठाया है। अब उस ऑब्जेक्ट में कुछ है या नहीं है डिपेंडिंग ऑन दैट, जाहिर है पहली दफ़ा कुछ नहीं होगा, नल होगा। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर उसको एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज़ किया एरर से बचने के लिए। अगर मैं ये नहीं करता तो वो एरर दे देता पहली दफ़ा में, दूसरी दफ़ा में वो सही चलता, पहली दफ़ा एरर देता। ठीक है, और मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग टिकट ऑब्जेक्ट जो मैंने अभी लोकल स्टोरेज से उठाया जिसमें कुछ नहीं है, उसके अंदर डॉट टू डू में पुश किया है एक यूज़र का डेटा, सही है कि यूज़र का डेटा पुश हो गया। अच्छा, और फिर क्या किया, इस एग्जिस्टिंग टिकट को पूरे को स्ट्रिंगिफाई करके वापस लोकल स्टोरेज में रखवा भी दिया ताकि पुराना रिप्लेस हो जाए, पुराना रिप्लेस करवा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने फॉर्म को रीसेट कर दिया। ठीक हो गया, ये इतना काम तो मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब मुझे ये सेम काम किसमें करना है, ये सेम काम मुझे अब इसके पड़ोस वाले में करना है। ओके, ये मेरा पहला कॉलम है जिसमें ये फॉर्म बना हुआ आ रहा है। अब यही फॉर्म मुझे कहाँ पे चाहिए, यही फॉर्म मुझे चाहिए दूसरे वाले कॉलम के लास्ट में भी, यही फॉर्म चाहिए मुझे। ठीक है, और इसको भी आईडी सेम दी हुई है, तो क्या ख्याल है, ये चलेगा? आईडी सेम हम दो एलिमेंट्स को नहीं दे सकते, तो अब इन दोनों पे लेकिन मुझे क्या करना है, इन दोनों पे मुझे अब वो इवेंट भी लगाना है। अब मैं क्या करूँ, कैसे लगेगा इन दोनों पे ये इवेंट? हाँ, क्लास से भी लगा सकता हूँ, लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी है, लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड हमने पढ़ी है ना। तो हम अगर ये करें कि कॉलम को उठाएं और कॉलम का लास्ट चाइल्ड हम पकड़ लें अगर, तो मुझे ये मिल जाएगा उससे भी। ठीक है, और एज अ लास्ट रिजॉर्ट हम इसको क्लास से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फौरी तौर पर मेरे ख्याल है हम क्लास से कर लेते हैं। तो इस आईडी को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, क्लास में।
ठीक है। अच्छा इसको मैंने क्लास में कन्वर्ट शायद इस वजह से भी कर दिया है कि अगर मैं कॉलम भी उठाता हूँ ना तो दो कॉलम है तो उसको मुझे क्लास से ही उठाना पड़ेगा और क्लास से ही उठा के लास्ट चाइल्ड लगाना है, तो बेहतर ये है कि मैं डायरेक्ट इन फॉर्म को ही उठा लूँ क्लास के जरिए, ठीक है। लेकिन लास्ट चाइल्ड के जरिए भी ये पकड़ा जा सकता था। तो ऐड टिकट फॉर्म मैंने पकड़ा, अच्छा ऐड टिकट फॉर्म तो मैंने पकड़ लिया। अब यहाँ पे ये देखो आईडी से पकड़ा है ना, अब इसको पकड़ूंगा मैं क्लास से, ठीक है। और क्वेरी सेलेक्टर पे भी ऑल लगाना पड़ेगा मुझे ताकि वो एक से ज़्यादा को लेकर आए, पकड़े को एक से ज़्यादा को। अब ये पकड़ में आ गया। अब ये डॉट इवेंट लिसनर इस तरह तो नहीं लगेगा इस पर, या लग जाएगा, क्योंकि ये तो इतना पार्ट मुझे एरे दे देगा ना, इतना पार्ट मुझे क्या दे देगा, एरे दे देगा, ये तो एरे हो गया। तो इस पर डॉट इवेंट लिसनर इस तरह तो नहीं लगेगा, या लग जाएगा, नहीं लगेगा, है ना। अब इसका क्या हल है, इसका हल ये है कि ये जो सब इवेंट में देता था ना सबमिट का, ये जो फंक्शन पूरा पास करता था मैं, ये इस पूरे फंक्शन को मैं करूँगा यहाँ से अलग, कट कहाँ गया, ये रहा, ये पूरे फंक्शन को मैंने कर लिया अलग। और इस फंक्शन का अब मैं क्या कर दूँगा, एक नाम रख दूँगा इस फंक्शन का, मैं क्या नाम रख दूँगा, मैंने कहा कि जी लेट टिकट सबमिट हैंडलर, ठीक है। यानी टिकट जब सबमिट होता है तो उसको ही हैंडल करता है, इक्वल्स टू ये फंक्शन पूरा मैंने यहाँ पे बना दिया, इसको फंक्शन को मैंने अलग कर दिया, कुल मिला के बात ये। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, ये टिकट में ज़ाहिर है मुझे दो एलिमेंट मिले, तो ये दो एलिमेंट के ऊपर मैं क्या करूँगा, डॉट फॉर ईच चलाऊँगा, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जी फॉर ईच चला के उन दोनों एलिमेंट पर जाऊँगा मैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी ईच फॉर्म, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ईच फॉर्म लिख दिया मैंने, और ईच फॉर्म के ऊपर मैंने कहा कि जी डॉट एड इवेंट लिसनर सबमिट, और सबमिट के ऊपर ये सबमिट हैंडलर, सही है। तो मैंने तमाम फॉर्म को उठाया डॉम से, और तमाम फॉर्म को उठा के उस पर लूप चलाया, और लूप चला के हर फॉर्म पे मैंने क्या लगा दिया, सबमिट के ऊपर मैं एक इवेंट रजिस्टर कर दिया कि जी ये सारे फॉर्म जब जब सबमिट होना तो ये एक ही फंक्शन तमाम फॉर्म की सबमिशन को देख रहा होगा, एक ही फॉर्म तमाम फॉर्म की सबमिशंस को देख रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं जी क्या होता है, रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे तो इधर भी जी आ गया बना हुआ। अच्छा इसके एंटर करने से ही इसमें आ नहीं रहा, अब ये क्या चक्कर है भाई, यहाँ पे जब लिखते हैं तो आता है, अरे यहाँ पे भी नहीं आ रहा, कौन सी ब्रैकेट नहीं लगाई मैंने, ईच फॉर्म के यहाँ पे ये वाला, ये वाला नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं होती, कोई एरर आ रहा होगा, देखते हैं, एरर आया हुआ है ना, एरर आया हुआ है कोई, कैन नॉट एक्सेस टिकट सबमिट हैंडलर बिफोर इनिशियलाइजेशन। अच्छा ये कह रहा है जी ये फंक्शन बनाया तो आपने बाद में इसको आप एक्सेस पहले कर रहे हो, ऐसे नहीं करो, सही है। तो इसको मैं कट करके ना इसको नीचे लाऊंगा, वो ये जो मैंने पास किया ना फंक्शन ये वाला, वो कह रहा है जी ये तो बनाया तो बाद में था आपने, तो अब सही हो गया, ये अब बना फंक्शन पहले है और इस्तेमाल ये बाद में हो रहा है, अब सही है ये, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड लाइन बाय लाइन जब रन होता है तो वो जब इस लाइन पे पहुंचा था ना वो सबमिट टिकट हैंडलर, तो उसको उसने बोला यार ये क्या है, ये तो बना ही नहीं है अभी तक, इसलिए एरर आ रहा था। अब देखते हैं क्या होता है जी, सही है, अब वो एरर तो ख़त्म हो गया। अब देखते हैं जी क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा एंटर किया तो ऐड हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा एंटर किया तो ऐड तो हो गया, लेकिन ये खाली क्यों ऐड हुआ भाई, ये क्या चक्कर है, खाली ऐड हो रहा है, आगे देखते हैं क्या गड़बड़ है। तो जी मैं अपने टिकट सबमिट हैंडलर में दोबारा जाता हूँ और उसको ज़रा एक दफ़ा, ओके गॉट इट, ये मैंने जो पकड़ा है ना इसका इवेंट, वो इसका जो यूज़र इनपुट जो मैंने पकड़ा है वो मैंने किससे पकड़ लिया है, वो मैंने आईडी के ज़रिए पकड़ा है। तो आईडी के ज़रिए क्योंकि मैंने पकड़ा है तो वो किससे उठा रहा है, वो यहाँ पे भी मैं कुछ लिखता हूँ ना और सबमिट करता हूँ तो टेक्स्ट की वैल्यू वो इस वाले में से उठा रहा है क्योंकि आईडी इसकी लगी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्म की जो वैल्यू है मैं आईडी से नहीं उठा सकता, इसकी मैं वैल्यू कैसे उठाऊँगा, इसी इवेंट से उठाऊँगा मैं, क्योंकि जब फॉर्म की सबमिशन हुई है तो जब इवेंट मिला है मुझे सबमिशन का तो उसमें पूरा का पूरा फॉर्म भी मुझे मिलेगा, है ना।
पूरा का पूरा फॉर्म मुझे मिलेगा इसमें। तो अब मैं यूज़र इनपुट को कैसे करूँगा, मैं कहूँगा कि जी इवेंट डॉट टारगेट डॉट और क्या है, चलो सिर्फ इवेंट को ज़रा ना, मैं सिर्फ इवेंट को ज़रा कंसोल तो कराएं कि इवेंट डॉट टारगेट में ना मुझे ये कहाँ मिलता है, ये पूरा जो मंजन है ये मुझे मिलता कहाँ है। है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा फॉर्म जब सबमिट होता है तो उस पर सबमिशन पे जो पूरा का पूरा इवेंट मिलता है, मुझे ये बात पता है कि इस इवेंट में पूरा फॉर्म मिलेगा, फॉर्म के अंदर तमाम इनपुट्स मिलेंगे, उसकी तमाम वैल्यूज सब मिलेगा, लेकिन मिलेगा कहाँ पे वो अभी हमने एक्सप्लोर करना है। कंसोल करवा दिया मैंने इस पूरे के पूरे इवेंट को, और अब मैं क्या करूँगा, आके यहाँ पर इसको पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पर जब मैं ये बात लिखता हूँ, मैंने कहा ए ए ए चार दफ़ा लिखा मैंने और एंटर किया, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा इवेंट यहाँ पर आ गया। अब मुझे इस इवेंट में देखना है कि जी ये चार दफ़ा जो ए है ना वो मुझे मिल कहाँ रहा है। अच्छा, इवेंट डॉट टारगेट तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि जी टारगेट वो होता है जिस चीज़ के ऊपर ये हुआ है, यानी टारगेट में मुझे पूरा का पूरा फॉर्म मिलेगा। अच्छा, टारगेट डॉट ज़ीरो करके मुझे ना ये मिल रहा है, टारगेट डॉट ज़ीरो करके मुझे ये इनपुट का जो है ना वो मिल रहा है फील्ड। वेल, मैं देख रहा हूँ कि कोई और बेहतर आइटम मिल जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने और नहीं लगाई है, वो मैं लगाना चाहूँगा यहाँ पे, वो मैंने ये नहीं लगाया है कि इस इनपुट पे ना नेम नहीं लगाया। इस इनपुट पे अगर मैं नाम लगाऊँगा ना तो फॉर्म डॉट करके भी मुझे वो वैल्यू मिलना शुरू हो जाती है ना, तो इन दोनों पे मैं क्या कर देता हूँ, नेम लगा देता हूँ। सही है, इन दोनों पर मैं लगा देता हूँ नेम, टिकट टेक्स्ट इसका मैं नाम रख देता हूँ। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जिस इवेंट में ना ये टिकट टेक्स्ट के नाम से भी कहीं ना कहीं मुझे वो वैल्यू डायरेक्ट मिल रही होगी, तो मुझे क्या होगा वो डॉट ज़ीरो करके नहीं उठाना पड़ेगा। डॉट ज़ीरो करके उठाने में प्रॉब्लम क्या है कि अभी तो उसमें एक खाना है, कल को शायद एक और खाना हो जाए तो वो वन पे चला जाएगा फिर, तो ये मेरा कोड गड़बड़ हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, तो जो बेहतर ऑप्शन मौजूद होगा तो मैं वो यूज़ करूँगा, अदरवाइज़ ज़ीरो भी ठीक है, कोई इशू है, इतना बड़ा इशू नहीं है उसमें। तो उसको मैंने दोबारा लिखा, दोबारा एंटर किया, और अब मैं यहाँ पर जाके देखूँगा कि जी मुझे ना वो टिकट टेक्स्ट के नाम से यहाँ पे कोई चीज़ मिल रही है क्या मुझे। इवेंट डॉट टारगेट, और इसको ऊपर से नीचे तक ज़रा चला के देख लेते हैं। यार इसमें नज़र नहीं आ रहा, होता है अलग है, होता है अलग है। नहीं, वो तो नेम इसका नेम आ रहा है ना, नहीं मैं अलग से इसको गूगल कर लेता हूँ, अलग से गूगल कर लेते हैं इसको कि जी वो गेट फॉर्म वैल्यू ऑन सबमिट इवेंट। ठीक है, ये कोई मैं भूल रहा हूँ अभी कैसे होता है, सबमिट इवेंट के अंदर ना डॉट पता नहीं गेट वैल्यू करके शायद एक फंक्शन होता है। तो ये इसने भी देखें यही किया, फॉर्म बनाया और यहाँ पे नेम इसको असाइन किया, तो इस नेम से ही गेट होगा, ये फुल नेम और ईमेल लिखा है। अच्छा, फुल नेम और ईमेल कैसे होगा अब ये नीचे। इवेंट डॉट टारगेट डॉट एलिमेंट्स डॉट फुल नेम, ऐसे किया इसने। इवेंट डॉट टारगेट, ये क्या किया इसने यार,
इसको अगर हम कॉपी करके अपने पास लेकर आ जाते हैं। इसने ये वाला काम किया कि इवेंट और टारगेट उठा लिया, उसके बाद डॉट एलिमेंट्स लगा दिया और उसके बाद लगा दिया डॉट फुल नेम। तो हमारे पास फुल नेम की जगह क्या है, हमारे पास टिकट टेक्स्ट है। हमारे पास नेम हमने रखा है, टिकट टेक्स्ट, तो हम टिकट टेक्स्ट लगा देते हैं। और बस डॉट वैल्यू, ठीक है। यूज़र इनपुट मैंने लिखा है यहाँ पे, और जो है ना यूज़र इनपुट डॉट वैल्यू को मैंने यहाँ पे कंसोल करवा दिया। देखते हैं ये पकड़ में आता है नहीं आता, ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट एलिमेंट्स करके इसने पकड़ा है ये, इवेंट डॉट टारगेट डॉट एलिमेंट्स। वैसे यहाँ एक दफ़ा हम देख भी लेते हैं क्या आ रहा है उसमें, ये आ रहा है ना इवेंट डॉट टारगेट डॉट एलिमेंट्स। हाँ सही तो आ रहा है यार, टिकट टेक्स्ट। अच्छा भाई दबा, ये नेम से नहीं पकड़ा इसने, ये पकड़ा है आईडी से। जो टिकट टेक्स्ट उसने उसमें आईडी लगी हुई थी। अच्छा वेल, हम आईडी को रिमूव कर देते हैं, आईडी को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि वो क्योंकि दो एलिमेंट पे एक ही आईडी दी हुई, वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा उसका। अच्छा जी, पकड़ में तो आ गया यार। और यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे भी पकड़ में आ गया, तो बस सही है। मैंने यूज़र का इनपुट ही उठाना था और तो कुछ ऐसा नहीं करना था मैंने। अच्छा जी, तो ये यूज़र इनपुट मेरे पास पकड़ में आ गया, जिसका मैं बाद में हर जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जी, टिकट टेक्स्ट। अब ये यूज़र इनपुट जब मैंने दे दिया है, तो इसमें ये HTML एलिमेंट क्यों लिखा हुआ आ रहा है भाई, ये क्या प्रॉब्लम है? देखते हैं अब अपने कोड में आगे कुछ हमने गलती की हुई है शायद। अच्छा, मैंने कहा क्रिएट एलिमेंट div, ड्रैगेबल हो जाए ट्रू, क्लास हो जाए टिकट, और टेक्स्ट उसमें हो जाए यूज़र इनपुट। अच्छा, इसमें डॉट वैल्यू नहीं लगाया मैंने, डॉट वैल्यू भी तो लगेगा ना, पूरा एलिमेंट दे रहा है वो तो। अब सही हो गया, सही है, अब ठीक हो गया। अच्छा, इधर हम ज़रा देख लेते हैं कि एप्लीकेशन में जाके कि हमारा ये वाला सही चल रहा है मामला, कि गड़बड़ हो गया ये। अच्छा, मैंने इसमें लिखा ABC, एंटर किया तो ये नीचे टू डू में आ गया ABC। अच्छा, अब जब इस तरफ आके लिखता हूँ मैं कुछ, तो ये भी टू डू में आ जाता है, ये क्या चक्कर है भाई? जब मैं इधर कुछ लिखता हूँ तो ये भी टू डू में जा रहा है, और जब मैं इधर कुछ लिखता हूँ तो ये भी टू डू में चला जाता है, क्योंकि दोनों में टू डू लिखा हुआ है मैंने। अब मुझे क्या करना होगा, अब ज़रा हम इसको गौर से देखें। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना हार्ड कोडेड टू डू, इसकी जगह मुझे क्या बात लिखनी होगी, मैं जिस कॉलम पर खड़ा हुआ हूँ, यानी जो फॉर्म सबमिट हुआ है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जब ये फॉर्म सबमिट होता है ये वाला, तो मुझे ना सिर्फ ये पूरा का पूरा फॉर्म मिलता है इटसेल्फ, बल्कि इसके मैं पेरेंट पे भी जा सकता हूँ, इसके मैं चाइल्ड पे भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इस फॉर्म के ऊपर डॉट पेरेंट लगाऊँ तो मुझे ये पूरी डिव मिल जाएगी, और इस डिव के अंदर डॉट करके मैं अगर फर्स्ट चाइल्ड लगाऊँ तो मुझे ये बात मिल जाएगी, और ये अगर मैं लिख दूँ उधर तो ये डायनेमिक हो जाएगा पूरा, ठीक है। कैसे लिखूँगा मैं ये? हाँ, नहीं, वो देखो असल में इवेंट जब होता है ना, जब देखो फॉर्म की सबमिशन का इवेंट है ये, इस इवेंट पे मुझे ना पूरा का पूरा फॉर्म सब कुछ मिल रहा होता है,
तो ये मैंने उसी में से ना इवेंट डॉट टारगेट डॉट एलिमेंट्स करके और ये उठाया, एलिमेंट्स करके ज़ीरो करके भी एक ऑप्शन आ रहा था, इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनपुट्स ज़ीरो करके भी आ रहा था, ये भी एक ऑप्शन है ठीक है, बड़ा कॉमन ऑप्शन है ये, कोई मतलब इतना वो नहीं है, इसमें एक फॉर्म डेटा करके भी एक तरीका होता है उठाने का ठीक है, तो ऐसे भी आप उठा सकते हैं। तो अच्छा, तो मुझे क्या करना है लास्ट काम जल्दी से, कि इस टू डू को ना मुझे डायनेमिक करना है फ़ौरन। अच्छा, इस टू डू को डायनेमिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस टू डू की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, पहले तो वापस आते हैं ना, इस इवेंट को दोबारा यहाँ पे पकड़ते हैं। अच्छा, वो इवेंट मैंने हटा दिया था ना, इवेंट को दोबारा पकड़ते हैं। ठीक है, इवेंट को मैंने दोबारा से कॉन्सोल करवाया। अच्छा, ये मुझे इवेंट मिला है। अब इस इवेंट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, एक तो टारगेट मिलेगा इटसेल्फ, इवेंट डॉट टारगेट। अब इवेंट डॉट टारगेट में मुझे वो फॉर्म मिल जाएगा जो सबमिट हुआ है, डॉट पेरेंट लगाऊंगा तो उसका डिप, अब आ जाओ देखो डॉट पेरेंट इसमें क्या है। ठीक है, डॉट ये तो चाइल्ड नॉट चिल्ड्रन, चाइल्ड लिस्ट हो गया, पेरेंट किधर है इसमें डॉट, अच्छा पी में होगा ना, वो नीचे होगा। अच्छा, ये देखो आ गया पेरेंट नॉट, सही है, या पेरेंट एलिमेंट। तो मैंने पेरेंट एलिमेंट को खोला तो पेरेंट एलिमेंट मुझे पूरा का पूरा ये मिल जाएगा, नॉट करके खोलना चाहूँ तो नॉट करके मिल जाएगा, दोनों नॉट में और एलिमेंट में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, वो हमने डिस्कस किया था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पेरेंट एलिमेंट, और पेरेंट एलिमेंट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, फिर पेरेंट एलिमेंट के अंदर मौजूद तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, यानी पेरेंट एलिमेंट के चिल्ड्रन मिल जाएंगे। चिल्ड्रन में सबसे पहला क्या है, देखो इस पे हाथ रखता हूँ तो ये पकड़ में आ रहा है। ठीक है, ये इन प्रोग्रेस जो लिखा हुआ है ना, ये वाली बात है। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं नॉड वाले में जाता हूँ, पेरेंट नॉड में, तो पेरेंट नॉड में मुझे देखो क्या मिलता है, पेरेंट नॉड में फिर उसके चिल्ड्रन होंगे जाहिर है, तो चाइल्ड नॉड्स में देखो टेक्स्ट, और ये सेकेंड चाइल्ड इसको मिलेगा। ठीक है, ये देखो ये वही जो जंक आर्टिफैक्ट बताया था ना उसने, कि शुरू में कुछ है नहीं लेकिन वो आ रहा है जंक आर्टिफैक्ट्स, तो वो ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके चिल्ड्रन में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे ऐसे करके मिल जाएगा। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट नॉड डॉट, पेरेंट नॉड के बाद क्या था, पेरेंट नॉड ये रहा, उसके बाद चिल्ड्रन, सही है, पेरेंट नॉट डॉट चिल्ड्रन। डॉट चिल्ड्रन हो गया, अब डॉट चिल्ड्रन के बाद उसका ज़ीरो, यानी कि वो डिव, मैंने कहा कि जी इसका ज़ीरो, सही है जी, बस एक मिनट मुझे दीजिएगा, और ये आ गया, इसको खोला मैंने। अब इस डिव के अंदर जो वैल्यू है वो मुझे कैसे मिलेगी, इनर टेक्स्ट करके, इनर HTML से भी ले सकता हूँ लेकिन इनर टेक्स्ट इज़ बेटर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ जी, इनर टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा होगा। आई में होगा ना, ये रहा इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट में भी इन प्रोग्रेस मिल रहा है, इनर HTML में भी मिल रहा है, लेकिन कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई इसमें और दूसरी चीज़ आ गई ना, इनर टेक्स्ट कर दिया मैंने, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये कॉलम का जो है ना मेरे टाइटल हो गया। मैंने कहा कि जी कॉन्स्ट कॉलम टाइटल, मैंने ये इस तरह करके पकड़ लिया इसका, सही है, ये कॉलम टाइटल है। अब मैं क्या करूँगा, ये कॉलम टाइटल यहाँ पे रखा करूँगा मैं, ये जहाँ जहाँ टू डू लगा रहा था ना मैं, यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, कॉलम टाइटल रखूँगा मैं, डायनेमिक हो गया। अब यहाँ पे आके ज़रा इसको रिफ्रेश करते हैं जल्दी से, और ये छोटा सा काम करके हम जल्दी से फिर चलते हैं नमाज़ पढ़ने, सही है। वापस मैं गया एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में जाके इसको मैंने किया क्लियर लोकल स्टोरेज को, यहाँ पे लिखा मैंने ABC, ये इन प्रोग्रेस में जाना चाहिए, ये क्या हुआ, एरर आ गया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइंग पुश, ये वाली लाइन में कोई एरर हुआ है। अच्छा, ये डॉट टू डू मैंने यहाँ पे भी हार्ड कोडेड किया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डायनेमिक करना पड़ेगा ना यहाँ पे भी, कॉल टाइटल, सही है,
यहाँ पे मैंने डॉट टू डू किया हुआ था, इस वजह से गड़बड़ हुई वो। यहाँ पे मैंने लिखा, एंटर किया, वापस गया मैं एप्लीकेशन में, ठीक है, देखो इन प्रोग्रेस में गया ये। अब मैं टू डू में लिखूँगा जब, तो ये टू डू में जाएगा, सही है। अब जिसमें लिखूँगा उसी में जाएगा, टू डू में लिखा है तो वो टू डू में गया। अब इसको मुझे क्या करना है, जब भी पेज रिफ्रेश होता है, जब भी मेरा पेज रिफ्रेश होता है, तो पेज रिफ्रेश होने पे मैं वैल्यू तो सारी उठाता हूँ, साथ साथ मुझे एक फंक्शन भी चलाना होगा। उस फंक्शन को चला के मैं जैसे एक एक टिकट ऐड होने पे नया नया बनाता हूँ, ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के, एक टू डू है तो टू डू का एक कॉलम बनाऊँगा मैं, उसमें लिखूँगा ये जो भी इसमें मौजूद हैं टिकट वो सारे बना दूँगा, फिर एक कॉलम मैं इन प्रोग्रेस का बनाऊँगा, ठीक है। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट ये टू डू इन प्रोग्रेस ये कुछ भी ना हो ना, तो फ्रॉम स्क्रैच पूरा ये बनेगा। मेरा ख्याल है अब इतना जो मैंने बता दिया, इसमें मज़ीद आगे आप खुद करेंगे अब, है ना, कि अब पेज रिफ्रेश होने पे इसमें से वैल्यू उठा के उसको डालना इस पर, वो टू डू का पूरा कॉलम क्रिएट करना, ये करके दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, यह है जी भाई, करके दिखाने की ज़रूरत है ये वाली चीज़। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आएंगे, तो आपके पास ये जो आपने ऐप बना ली है, ज़्यादातर लोगों ने बना लिया आप में से, तो आप क्या करेंगे, वो पेज रिफ्रेश होने पर ना लोकल स्टोरेज में सिंक होना चाहिए आपका, कि जब मैं पेज रिफ्रेश करूँ, अभी तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, तो लोकल स्टोरेज में है लेकिन स्क्रीन पे नहीं नज़र आता, लेकिन क्योंकि स्क्रीन पे मैंने वो वाला काम नहीं किया लास्ट, कि पेज रिफ्रेश पे वहाँ से उठाऊँ पूरे लोकल स्टोरेज से और ला के इधर रेंडर करूँ, ये काम नहीं किया, तो आपने ये काम करना है, ठीक है जी।